बाजार एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन के लिए है तैयार। आखिरी डेढ़ घंटे में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए बेताब। और इस बीच निफ्टी ने बनाया एक बार फिर से नया रिकॉर्ड 12,942। जी हाँ, यह फ्यूचर्स में अब तक का हाई और कैश मार्केट में भी पुराने हाई के बेहद करीब। और बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखाता हुआ। तो आखिरी डेढ़ घंटे का एक्शन कहां और कैसे रहेगा, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु भंडारी। और एक बार फिर से बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी सुपर हिट होती हुई दिखी। अनिल जी की बैंक निफ्टी के टारगेट्स आ रहे हैं, कई सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, तेजी की बात करें बाजार की, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। जी हाँ दीप, बिल्कुल एक्शन भरपूर है बाजार में और मजबूती की तरफ है पूरा का पूरा एक्शन। निचले स्तर से शानदार रिकवरी आती हुई दिखी और जैसा कि हम कल से लगातार आपको कह रहे हैं, पिछले हफ्ते से लगातार कह रहे हैं कि अब यहाँ से लीडरशिप बैंक निफ्टी की रहेगी और बैंक निफ्टी ने ही बाजार को ऊपर खींचा है। और अब 12,900 को पार करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी 550 अंक मजबूत होकर 29,750 का हमारा फाइनल टारगेट भी हासिल करता हुआ दिखा है। तो 29,765 का हाई बनाया है। तो सारे के सारे टारगेट बैंक निफ्टी पर आ जाते हुए दिखे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स तेज रफ्तार में है और यहां पर भी भरपूर तेजी होती दिख रही है। रियल्टी शेयरों में जोश है, इंडेक्स 8 महीने की ऊंचाइयों पर है और वहीं डाउ फ्यूचर्स करीब 35 अंक नीचे। यूरोप के बाजार कमजोर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई खास असर भारतीय बाजारों पर है नहीं। हमारे बाजार अपनी धुन में, अपनी ताकत पर एकदम मस्त तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त तेजी है सर। और आपकी मार्केट की कॉल के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, पर उससे पहले बधाई हो सर टाटा मोटर्स की कॉल पर। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपने खरीदारी की राय दी थी, 148 पर था स्टॉक, 165 170 के टारगेट, 165 आज सुबह आ गया, 170 के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, एक तो बधाई और फिर अब बताएं क्या करना चाहिए इस कॉल का। नहीं दीप, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छी तेजी के साथ ये बढ़े हैं। और जैसे कि उम्मीद थी कि हफ्ते भर में आपको 10-15% के रिटर्न मिलने चाहिए, 148 से 172-173 के आसपास की जो ये इसकी यात्रा रही है वो काफ़ी बेहतरीन है। मोमेंटम स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं, अब भी बाय ऑन डिप्स है। और अगर 160-162 या 165 के आसपास आए तो फिर से खरीदना चाहिए, ज़्यादा बेहतर लेवल्स टेक्निकली और हमारे एक्सपर्ट से हम लेंगे। लेकिन मजबूती है ऑटो सेक्टर में, आप एक देखिए, एक के बाद एक आपको लगातार चर्निंग होती हुई दिख रही है। आज की तेजी की कमान बैंक निफ्टी के साथ साथ बैंकिंग शेयरों के साथ साथ ऑटो शेयरों ने संभाली है। और यह बड़ा बोल्ड कॉल इस लिहाज से था दीप, आमतौर पर मैं अवॉइड करता हूं कि अगर एफएनओ बैंड में कोई स्टॉक है तो वहां पर ट्रेडिंग का क्या कॉल दें, लेकिन दिवाली के दिन इतना मजबूत कॉल यह नजर आ रहा था। और इसीलिए कि अगर एफएनओ बैंड में है तब भी आप कैश मार्केट में लेकर रखिए, यह आपके लिए जल्दी 10-15% का रिटर्न देने वाला होगा। नहीं तो आप आमतौर पर बड़े स्टॉक्स में डिलीवरी के लिए खरीदारी कर ट्रेड करने की राय नहीं देते हैं, लेकिन ये ठीक रहा। दूसरा, बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज सुबह से ही लक्षण साफ दिख रहे थे। इनफैक्ट कल सुबह भी आपने जब फोन पर मुझसे बात की तो मार्केट खुलते ही 9:08 पर मैंने यही कहा था कि देखिए निफ्टी छोड़िए, बैंक निफ्टी लीजिए। निफ्टी ने अब भी कल का हाई पार नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी वहां से करीबन 1,000 पॉइंट बढ़ चुका है। बैंक निफ्टी 28,800 से आप देखिए 29,750 तक लगभग 1,000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में बन चुकी है। तो कल अगर आपने खरीदारी की तो भी फायदा है। कल कमजोर ग्लोबल संकेत थे, उसके बावजूद हमने कहा कि आप तेजी की पोजीशन को लेकर जाइए। और आज सुबह भी फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आपको सारे टारगेट दिए, 29,550, 29,450 और 29,750, ये सारे के सारे लेवल आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो बैंक निफ्टी भी एकदम सुपर हिट, अब अगला टारगेट 29,900 का बैंक निफ्टी के लिए बनता है। तो वापस से कमजोरी होगी, फिर से खरीदारी करने की राय देंगे, सही मौका ढूंढ रहे हैं, आने दीजिए, फिर से बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की जाएगी। और तीसरा कॉल जो था दीपा, वो था SBI में आज सुबह खरीदारी करने की राय आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी थी। उसमें पहला टारगेट 247 का हासिल हुआ, 240 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको रिस्क कम करनी है तो अब आप स्टॉप लॉस 243 का ले आए। अभी भी 254 और 260 के टारगेट के लिए SBI में आपको होल्ड करना चाहिए पोजीशन, कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे, भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और एक बार उनसे उनकी पिक्स ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद 2:05 पर टाटा मोटर्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होगा, उनसे नतीजों पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे। आइए भसीन साहब के लिए बिगुल और करते हैं उनका स्वागत।
स्वागत है बसिन साहब, नमस्कार। आग लगती हुई बैंक निफ्टी में 30,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ और बहुत ही गजब की लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख रही है। भलाई पहले तो आपको नए साल में भी वही तेजी, वही दमदार एक्शन बरकरार है। बताएं सर, क्या करना है अब अपडेट के तौर पर और साथ ही डायरेक्शन के तौर पर? तो अनिल जी, जैसे मैं कल से कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी आज नहीं तो कल टॉप बनाएगा। दिस इज द टाइम टू सेल एंड बुक प्रॉफिट। वो प्रॉफिट बुक करना मत भूलिए। बैंक्स में बहुत रोबस्ट प्रॉफिट आया है। कल मैंने आपको 208.9 में RBL दिया था, 223.24 बिक गया। तो बैंक्स में प्रॉफिट बुक कीजिए और क्वालिटी नाम लीजिए। मार्केट में बैंक्स विल टॉप आउट बाय टुमारो 100%। सो दिस इज द टाइम टू बी प्रूडेंट। जो आपको प्रॉफिट है उसको बचाइए और अपने आप को सेफ गार्ड करिए। ऑलवेज इट्स गुड टू हैव मनी इन द पॉकेट। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको रिपीटेडली मदरसन सुमी 127.28 पे कहा था, वो 139 हो गया। लार्सन एंड टूब्रो अनिल जी, आपको 900, 920, 950, 1000 पे कहा, 1140 बिक गया। L&T फाइनेंस 74 रुपए बिक गया। REC, PFC और अडानी पोर्ट, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति, आपको कल 2-3 दिन से मैं कह रहा था, मारुति और गोदरेज प्रॉपर्टी जो आउट परफॉर्म करेंगे, मारुति ने अभी हाई मारा है 7067, 68.20 पे कहा था। अब आपके लिए दो कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। आई एम बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स एट दिस प्राइस एंड आई वॉन्ट टू मिटिगेट रिस्क एट दिस टाइम। तो आप बोले तो मैं शुरू करूं सर। बिल्कुल बताएं सर, प्लीज बताएं। तो पहला भाई होएगा सर, ये मौका मिल रहा है लेने का, HCL टेक। 804.5 का भाव है, 791 का स्टॉप लॉस रखिए, 845 टू 850 का टारगेट। HCL टेक इज द विल हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द न्यू BFSI स्पेस। इट्स एन अनक्वेश्चनेबल बाय दिस प्राइस। दूसरा भाई, अगेन द बेस्ट प्ले ऑन फार्मा जो आप मिस करते हैं हर बारी जब वो निकल जाता है 850 पे, सिप्ला 735.36 का भाव है, 723 का स्टॉप लॉस रखिए, 775 का टारगेट। सिप्ला में ये मौका मत मिस कीजिए, बिकॉज उनकी जो न्यू रेमडेसिविर की टाइप है, आई थिंक दैट कैन सी अ री रेटिंग वेरी वेरी सून। तो ये दोनों मेरे लिए बायज हैं और जैसे आपको कहा, बुक प्रॉफिट इन बैंक्स। ओके, तो बैंक्स में प्रॉफिट बुक करें और अब डिफेंसिव शेयरों में जाएं। HCL टेक अच्छे करेक्शन के बाद यहां पर खरीदारी करने की राय है। 805 के आसपास खरीदिए और यहां पर आपको खरीदारी करनी है 791, 791 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा आपका 855 का टारगेट, 845 और 855 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है HCL टेक। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 791 का, 791 का। सिप्ला खरीदना है आपको 775 के टारगेट के लिए, 723 का यहां पर स्टॉप लॉस होगा, 723 ये स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। तो ये है वो दोनों स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब, और 2:50 पर आपसे होगी फिर से मुलाकात और तब आपसे हम जानेंगे, पूछेंगे कि कौन से और वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। ये आपके लिए इस वक्त इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। दो डिफेंसिव कॉल्स आती हुई बसिन साहब की तरफ से, तो ये है बसिन साहब की तरफ से कॉल। कुछ और बेहतरीन कॉल्स आने की तैयारी में, तब तक दीप टाटा स्टील का मैनेजमेंट तैयार है, बढ़िया आगे जी। बिल्कुल अनिल जी, टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक में तो गजब रफ्तार आई हुई है, नतीजे भी आपके काफी मजबूत रहे सर, तो एक बार आपसे नतीजों के बारे में जानना चाहेंगे और जो यूरोप के ऑपरेशन में थोड़ा एबिटा लॉस आया है उसको किस तरह से देखना चाहिए, कब तक ये ब्रेक इवन स्टेज तक पहुंच जाएगा? तो यूरोप में अभी भी पैंडेमिक का असर तो है, पूरा 100% प्रोडक्शन लेवल में नहीं है यूरोप में, पर अभी Q2 में हम लोग शायद 70-80% प्रोडक्शन लेवल में थे और Q3 में उम्मीद है कि 90% प्लस प्रोडक्शन लेवल में रहेंगे। और एबिटडा देखिए तो Q2 का एबिटडा Q3 से अच्छा था अंडरलाइंग बेसिस में, क्योंकि उसमें हम लोग का कुछ कार्बन क्रेडिट और डेबिट का भी इम्पैक्ट था, इसीलिए ऐसे पूरा द रियल नंबर्स आर नॉट सो विजिबल। But if you look at it purely on an underlying basis, Q2 is much better than Q1. But फिर भी जैसे आप बोल रहे हैं Q2 भी negative EBITDA थे, पर Q3 में हम लोग का उम्मीद है कि we will be on positive EBITDA. In fact, September itself was positive EBITDA and we are expecting Q3 to be positive EBITDA.
ओके सर, एक मिनट जरा होल्ड करिए, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय वेदांता और बीपीसीएल को लेकर। ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि वेदांता ने बीपीसीएल के एसेट्स खरीदारी के लिए बोलियां लगाई हैं, वेदांता ने हिस्सा खरीदारी के लिए बीपीसीएल की दिलचस्पी दिखाई है, ये खबर आती हुई दिख रही है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि हम डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे थे, सरकार ने भी कहा है कि कुछ अब डीले नहीं होगा और कुछ अच्छे इंटरेस्ट ऑलरेडी उन्हें मिले हुए हैं, जिसकी अब एनालिसिस हो रही है, अगले स्टेप पर वहां पर कदम लिए जा रहे हैं। और खबर अब आ रही है कि वेदांता ने दिलचस्पी जताई है, जहां तक सवाल है बीपीसीएल की खरीदारी का। अनिल जी, बहुत बड़ी खबर आती हुई सर, और किस तरह से देखना चाहिए, वेदांता अब दिलचस्पी दिखा रहा है बीपीसीएल के एसेट्स की खरीदारी की। ज्ञानदीप, डेफिनेटली ये वेदांता के लिए मुझे अच्छी खबर नजर आती है, बीपीसीएल के लिए तो खैर है ही, लेकिन क्योंकि आमतौर पर ये माना जा रहा था कि शायद बड़े ग्रुप्स, बहुत बड़ी कंपनियां यहाँ पर बोली लगाने के लिए सामने नहीं आती दिख रही, लेकिन वेदांता को आप दोनों तरह से मान सकते हैं। आप चाहें तो वेदांता को एक हिंदुस्तान का बड़ा कॉरपोरेट घराना माने, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट घराना माने, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज के पूरे दुनिया भर में कारोबार है, तो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी है और साथ ही एक इंडियन लोकल कंपनी भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारोबार यही है। तो अगर वेदांता जैसी कंपनी यहाँ पर आकर बोली लगाती तो ये वाकई में बीपीसीएल के लिए भी अच्छी बात है और वेदांता के लिए भी अच्छी बात है। अब क्या प्राइस होगी और कब क्या होगी, उसके लिए तो एक लंबी टाइमलाइन है, जिसके दम पर आज आगे आपको पता चलेगा। लेकिन वेदांता का इंटरेस्ट दिखाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आमतौर पर वेदांता जानी मानी जाती है कि सरकारी कंपनियों में वैल्यू ढूंढने के लिए। अब वो अलग बात है कि बीपीसीएल उन्हें किस प्राइस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस प्राइस पर बीट करते हैं, या आगे की बात है, लेकिन उनका इंटरेस्ट बीपीसीएल में होना इटसेल्फ इज बीपीसीएल के लिए भी और वेदांता के लिए भी, दोनों के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है वेदांता के लिए भी और बीपीसीएल के लिए भी। देखते हैं दीप आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक्शन इसमें कोई डाउट नहीं कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे जिन जिन लोगों ने बोलियां लगाई उनके नाम सामने आते हुए दिखेंगे और उसी से बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट आगे चलते हुए और इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। जी दीप, बिल्कुल। और खबर का रिएक्शन भी देखिए बीपीसीएल निचले स्तरों से अब रिकवरी दिखा रहे हैं, दो दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही थी स्टॉक पर, तो खबर का इंपैक्ट आते हुए वेदांता ने दिलचस्पी जताई है और ये बड़ी बड़ी खबर है इन दोनों दिग्गज कंपनीज के लिए। तो नजर रखेंगे कि आगे यहां से क्या डेवलपमेंट निकल कर आता है। पर एक और दिग्गज कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ है, नरेंद्र साहब टाटा स्टील से। सर एक सवाल आपके यूरोप के ऑपरेशन पर ही है, खबर आ रही है कि SSAB के साथ आपने अपनी नेदरलैंड्स के यूनिट के डाइवेस्टमेंट की बातचीत शुरू करी है, जरा इसका अपडेट दे सकते हैं, किस तरह की टाइमलाइन रहेगी, कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए? तो हम लोग को इसमें दो तीन चीज करना है। एक है कि हम लोग को टाटा स्टील यूरोप को स्प्लिट करना है बिटवीन टाटा स्टील नेदरलैंड्स एंड टाटा स्टील यूके, वो काम चल रहा है, दैट इज वन वर्क स्ट्रीम। द अदर वर्क स्ट्रीम इज ड्यू डिलीजेंस विथ SSAB, क्योंकि अभी जो उन लोग ने इंटरेस्ट दिखाया है, इट्स अ नॉन बाइंडिंग ऑफर, सो दे विल डू द ड्यू डिलीजेंस विच यू होप विल बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड उसके बाद दे विल गिव अ फॉर्मल बाइंडिंग ऑफर, कॉन्टोर्स ऑफ विच आर अवेलेबल, बट ऑब्वियसली टिल दे गिव अ बाइंडिंग ऑफर वी कैनॉट डिस्कस वॉट इज द ऑफर। तो ये दो चीज है, एंड इन बिटवीन ऑल दिस वी हैव टू गो थ्रू, देर इज अ कंसल्टेशन प्रोसेस जो है नेदरलैंड्स में, we have to go through that. We have so far spoken to all the stakeholders, involved them, and so far the support is there, the response has been positive. Ek teesra cheez hai jo Thyssen transaction mein was a very important thing, which is a competition commission clearances, to usme hum log ka ummeed hai ki ye bar utna takleef nahi hona chahiye, kyunki SSAB and Tata Steel Netherlands don't have the overlaps that Thyssen and Tata Steel Netherlands had. So we don't have the issues that we faced at that time with the auto industry and packaging industry. So we are hoping that that will also not be an issue like we had last time. Okay. So देखते हैं सर, बट इंतजार रहेगा इस बड़े डाइवेस्टमेंट प्रोसेस का, और बहुत बहुत बधाई एक तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए और ऑफ कोर्स ये जो डाइवेस्टमेंट प्रोसीड है उसके भी अपडेट देने के लिए। तो ये है टाटा स्टील के मैनेजमेंट टीवी नरेंद्र साहब हमें बताते हुए किस तरह यूरोप के ऑपरेशंस के डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस अब आगे चलकर दिखेगी। पर काफी एक्साइटमेंट है स्टॉक को लेकर, तो एक बार मैं हमारे एक्सपर्ट से स्टॉक पर राय लेना चाहूंगा। राकेश जी कुनाजी वागले साहब हमारे साथ तैयार हैं, किरण जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है टाटा स्टील, बट अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, डिलीवरी लेकर रखी हुई है, तो इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक करें सर या यहां से और अपसाइड देखते हैं?
मुझे लगता है कि और अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए दीप। अगर वीकली चार्ट देखते तो बहुत ही अच्छा एक चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके साथ साथ एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं उसका भी ब्रेकआउट पिछले हफ्ते देखने को मिला। तो उसका टारगेट लगभग आता है 650 के आसपास। आपको पोजिशनली ये रखना पड़ेगा, शायद दिसंबर सीरीज जनवरी सीरीज में ये टारगेट्स हासिल होते नजर आएंगे। बहुत अच्छा मूव हमने 350 से 520 तक एक देखा है, थोड़ा सा टाइम करेक्ट करेगा बट इवेंचुअली ये स्टॉक एक अच्छी मूव दिलाता नजर आ जाना चाहिए। मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि अगर हम मेटल इंडेक्स भी देखते हैं तो उधर भी एक ब्रेकआउट हो चुका है और टाटा स्टील एक मेन कंटेंडर है। तो कुल मिला के एक अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए, होल्ड करिए। देखिए आज भी थोड़ा सुस्त चाल है बट वैसे कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती हुई दिख रही स्टॉक में। एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जान लेते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर हमारी नजर है और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, लक्ष्मी विलास बैंक आज फोकस में है ही, 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर हमारी नजर है। इसके अलावा मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का टेंडर जो है वो आज से खुल रहा है, तो इस पर भी नजर रहेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले की जो सुनवाई आज होने जा रही थी वो अब कल होने वाली है, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर। इसके अलावा आरबीआई 10,000 करोड़ का स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन कल लॉन्च करने जा रहा है। आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना की अंतिम तारीख कल होगी। वहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब पर भी नजर रखेगा, 6 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कल रिकॉर्ड डेट है। शुक्रवार का दिन यानी कि 20 नवंबर कोल इंडिया करीब 7.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड जो कंपनी ने दिए इसकी रिकॉर्ड डेट होगी कल शुक्रवार का दिन। वहीं इंसेक्टिसाइड इंडिया 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी 20 नवंबर। और आईएफएल सिक्योरिटीज पर भी फोकस रहेगा, कंपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है, बायबैक को लेकर इस बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम इवेंट्स जहां पर हमारी नजर है। वरुण बताएं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो रुचि सोया हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि जून 2021 तक 10% के आसपास का स्टेक जो है रुचि सोया में कम करेंगे प्रमोटर्स। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि रुचि सोया को एक कमोडिटी कंपनी बनी नहीं रहने देंगे बल्कि उसको एक बड़ी इंटरनेशनल स्तर पर एक FMCG कंपनी बनाएंगे और काफी सारे और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ लॉन्च करने वाले हैं। हिंदुस्तान कॉपर और एक हमारी एक्सक्लूसिव खबर जहाँ पे मालाजखंड माइन जो है उसको 2 साल में बेहतर बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है, तो एक बड़ी खबर हिंदुस्तान कॉपर के लिए जिसके चलते आपने स्टॉक में तेजी देखी है। L&T इस कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, टाटा कंपनी से माइनिंग इक्विपमेंट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है और अब तक का इस सेगमेंट का इस कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडोरामा सिंथेसिस, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि इनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई थी जिसके कारण इनके जो इंटरनल IT सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, तो ये एक अपडेट है। सद्भाव इंजीनियरिंग 1570 करोड़ का इस कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए NHAI से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है और TTK प्रेस्टीज इनकी खरड़ी यूनिट में कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, तो एक दिक्कत की बात है TTK प्रेस्टीज के लिए। बिल्कुल, तो ये है कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। बाजारों में एक्शन है भरपूर, निफ्टी बैंक आपको जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, निफ्टी 12,900 पर है और US फ्यूचर्स जो थोड़ी सुस्ती की चाल सुबह से दिखा रहे थे वहां पर भी अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स अब सपाट हो गए निचले स्तरों से रिकवर कर और नैसडैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स भारतीय बाजारों में, बाय ऑन डिप्स ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रैटेजी भरपूर एक्शन दिखा रही है। आइए इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कई सारे और स्टॉक्स जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है और बैंक्स में ही बड़ा फोकस बना हुआ है। फेडरल बैंक यहां पर अच्छी मूव आई है थोड़ी देर पहले और एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस समय स्टॉक पर, 3.5% की तेजी है, 60 के लेवल्स पर आया फेडरल बैंक। वागले साहब, ट्रेड बनता है फेडरल बैंक पे? उसी में मेरा कॉल है, प्लीज बिल्कुल बजवा दीजिए। बिल्कुल, तो बिगुल बजाया जाए वागले साहब के लिए। दीपांशु, फेडरल बैंक में क्लियर कट ब्रेकआउट आया है 59.70 रुपीज के, ये मैं नवंबर फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी 60.60-70 रुपए 80 पैसे यहाँ पर लीजिए, 60 तक ऐड करिए, 58.50 का स्टॉप लॉस और 65-66 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ, 1 से 2 दिनों में शायद कल ही आ जानी चाहिए।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर व्यू। और अनिल जी, एक बार आपसे भी फेडरल बैंक की राय लेना चाहूंगा सर, क्योंकि एक हफ्ते पहले 9 तारीख को एग्जैक्टली आपने फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय दी थी और आपके टारगेट 57.559 के थे। वहां पर पहला टारगेट हमने आते हुए देखा था, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई थी। अब दूसरे टारगेट के भी बियॉन्ड आ गए फेडरल बैंक, तो जो आपकी कॉल पर थे, अब वागले साहब के लेवल्स ट्रैक कर लें सर फेडरल बैंक के? नहीं नहीं, अब तो मेरे ख्याल से नया बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में, 59.60 के जो पार निकला है दीप, ये तो वाकई में जो वागले साहब कह रहे हैं वो ज्यादा उस पर गौर फरमाएं, क्योंकि मैंने तो जब दिया था वो काफी नीचे का दाम था, तब ऐसा लग रहा था कि 59.60 पर जाकर अटकेगा। मेरा टारगेट फाइनली 60 का था, क्योंकि 60 के ऊपर जनरली इजीली निकलता नहीं है, लेकिन इस बार तो 60 के ऊपर निकला है, टिकता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल मेरे टारगेट भूल जाएं, जो वागले साहब कह रहे हैं वो सही। और स्टॉप लॉस भी वागले साहब ने बहुत एकदम दिमाग से चूज किया, 58 रुपये 59.60 के ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, तो आई एम श्योर 65 रुपये के टारगेट जो वागले साहब कह रहे हैं वो आ जाएंगे। बैंकिंग शेयरों में तो आप सोचिए, खाली जो सोचे वो टारगेट आ जाते हैं, और बाजार आपको बीच बीच में मौका देता है, उस वक्त कॉन्फिडेंस और भरोसा रखें, डरे नहीं। आज दीप में इसीलिए लगातार आपको कह रहा था, आपने सुबह देखी, कम से कम मैं 3-4 बार कह चुका हूं कि सिंगल्स लेते रहिए, सिंगल्स लेते रहिए। आज बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, इंट्राडे का, कितनी बार जिगजैग हुआ है, बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे, और फिर कभी किसी वक्त आपको लूज बॉल मिले, आपको लगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, कि 29,550 का ब्रेकआउट मिला, तब ले लीजिए, ना तब आपको 200 पॉइंट चुटकियों में मिलते, नहीं कि 29,550 निकालते कैसे 200 पॉइंट मिले। और जब तक 29,500 नहीं निकाल रहा था, तब तक आपको 5-7 बार 8 बार सिंगल्स लेने का मौका मिलता है 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे। तो आपका अगर डायरेक्शन क्लियर है कि खरीदना है, कॉन्फिडेंस और अंदर भरोसा है कि हाँ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, अनिल जी कह रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं, जय ठक्कर कह रहे हैं, सुमित जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्लियर है, फिर आपका डायरेक्शन क्लियर है, फिर आप लेते रहिए, और फिर जब बड़ा मुंह पकड़ में आए उसे छोड़िए मत। तो मेरी फिर से नजर है दीप, जैसे ही मौका मिलेगा मैं फिर आपके पास आऊंगा और मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी फिर से लीजिए, तो थोड़ा मैं इंतजार कर रहा हूं सही लेवल एक बार मुझे मिल जाए। जी दीप, बिल्कुल, तो सही लेवल का इंतजार है बैंक निफ्टी पर। पर एक बार आपको याद दिला देते हैं, आज जो बैंक निफ्टी पर अनिल जी ने कॉल दी है, लगातार हम देख ही रहे हैं वैसे बैंक निफ्टी पर सारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं, और आज भी सुबह जो टारगेट्स दिए थे हिट हो गए, आज के 2000 में भी टारगेट्स दिए थे वो भी आते हुए देखें। एक बार बता देते हैं बैंक निफ्टी पर क्या सलाह दी गई थी। बैंक निफ्टी तेज शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से भी तेज दौड़ लगाएगा। इसके जो टारगेट बनेंगे 29,550 और 29,750 के दो टारगेट ऊपर के बनेंगे बैंक निफ्टी पर आपके लिए। इससे पहले एक 29,450 का छोटा टारगेट होगा, बैंक निफ्टी 29,450 आज का हाई और हमारा पहला टारगेट आज का छूता हुआ। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर सुपर हिट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से आती हुई, और जबरदस्त एक्शन बन रहे हैं। फेडरल बैंक पर नजर डालिए, और फ्रेश मूवमेंट आ रहा है, अब 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर बनती हुई दिख रही है, तो जबरदस्त एक्शन है पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस में। M&M एक बार इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि 700 के ऊपर गया है M&M, और अब 10% का उछाल इस स्टॉक पर आते हुए आपको दिख रहा है, तो जबरदस्त एक्शन उधर भी है इस समय। आशु जी भी हमारे साथ हैं। आशु जी, सुबह तो बैंक्स पर आपने अच्छी राय दी, और SBI तो है ही आपकी कन्विक्शन लिस्ट में, और कौन से बैंक पर खरीदारी करनी चाहिए सर, किधर ट्रेड होगा इस समय? देखिए दीपांशु, बैंकिंग तो आप सब कवर कर रहे हैं, अनिल जी पूरा एम्फैटिकली बोल रहे हैं बिल्कुल, और बाकी भी हैं, लेकिन मैं तो अभी भी बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दीपांशु, मतलब बिल्कुल ऐसा घोड़ा पकड़ लें कि जिसमें इतना बड़ा मूव देखने को मिल सकता है कि मजा आ जाए। तो मतलब मुझे सुबह से कई लोगों ने पूछा कि ऐसा आपने क्या देख लिया कि सीधा टारगेट ही 350-400 का है। तो दीपांशु, ये 5-10 रुपये या 2-3 रुपये तो छोटे बैंकों में, ये सब जब टाइम ऐसा आया है, जब आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है और ऐसा बनने में दिखता है, तो उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट दीपांशु, कोई 100-150 रुपए की वेट नहीं करता, 3,000-3,000 का लॉट साइज होता है ऐसे छोटे बैंकों में, और बड़े लॉट साइज होते हैं, बट ये होता है कि डायरेक्शन में पुश बहुत जरूरी मिलता है। तो मैं तो भी बोलूंगा कि बैंक्स तो डेफिनेटली सारे परफॉर्म कर ही रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है दीपांशु, मुझे मेरे मतलब जो टॉप 3 bets में होगा वो शायद SBI होगा। तो मैं कहीं भी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी हटके, RBL से भी, नॉट दैट कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट वहां पे भी जाएगा, बट मुझे लगता है कि जो बड़ा धमाल होगा वो SBI में होगा।
तो आशीष सर, सवाल तो मेरा भी है, ऐसा आपको एसबीआई में क्या दिख रहा है? एसबीआई एसबीआई एसबीआई, जवाब तो दो। अनिल जी, मल्टी ईयर का जो मैं बताता हूँ ना, मल्टी ईयर, अब इतना ईयरली मैं चार्ट तो देखता नहीं हूँ, लेकिन जो होता है ना, वो जो मैं कहता था कि ये ब्रेकआउट से डर लगता है, तो अनिल जी वो स्टॉक्स में जिनसे ब्रेकआउट से डर लगता था, जब वो इतने बड़े धोखे के बाद, जो मल्टीपल टाइम्स के, मतलब लोग तो टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हैं, मैं बोलता हूँ मल्टीपल टाइम्स के धोखे के बाद जो बढ़ता है अनिल जी, वो ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि अब जो 220 25 30 में था ना अनिल जी, वो जो भी वीकर हैंड थे, फ्रस्ट्रेटेड हैंड थे, वो सब खत्म हो गए हैं, और शायद मुझ जैसे लोगों ने, यार मैंने ही उनको राय दी होगी कि इस बार जब ऊपर जाएगा तो भाई निकल जाना, छोड़ना नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अनिल जी की वो चीज दोबारा नहीं ले सकते। 20 रुपए चले गए तो भी क्या हो गया, 100 रुपए के ऊपर मीप दिखती है, तो अनिल जी अब ये स्टेट बैंक जब निकला है, तो अनिल जी अब ये 300 350 के ऊपर जाके ही रहेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब मुझे याद है पिछले कम से कम भी नहीं तो भी आशीष सर, मेरे ख्याल से 1500 पॉइंट निफ्टी ये जो बढ़ा है, 1500 करीबन 1500-2000 पॉइंट की निफ्टी में, तो एक भी बार आपने मंदी का कॉल दिया नहीं, राइट? अब तो मतलब कुणाल जी, आशीष सर का मतलब वो परिवर्तन हो जाना चाहिए ना, अब मंदड़ियों के सरगना आप बोलते हैं, ये अभी अब थोड़ा जमता कम है, अब तो मतलब पिछले 1500-2000 पॉइंट की तेजी में तो एक भी बार आशीष सर ने शॉर्ट कॉल दिया नहीं, अब वक्त आ गया है। एक मिनट पहले आशीष सर, पहले एक बार कुणाल जी से पूछूं, कुणाल जी का हृदय परिवर्तन हुआ है या अभी भी इतिहास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा? अरे जी देखिए, दिक्कत यह है कि जैसे ही हल्की सी मंदी का आहट होगी, उसी समय अनिल जी आप देखेंगे कि आशु जी के अंदर का जो बियर है, जिसको उन्होंने सुला रखा है, वो तुरंत अनिल जी हावी हो जाएगा इन पर। तो अनिल जी, उसी की शंका के चलते मैं अभी पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि इनको दूसरे खेमे में डालना चाहिए। ना, इस बात से इस बार मैं सहमत नहीं, क्योंकि इस बार दो तीन बार ना सुमित जी मंदी में आए, और मैंने बार बार बोला भी सुमित जी मंदी में आ रहे हैं, हालांकि सुमित जी तो दोनों ही तरफ के ट्रेड बहुत ही परफेक्ट पकड़ रहे हैं, लेकिन आशीष सर तब भी नहीं आए क्योंकि उनका व्यू थोड़ा सा लंबा रहता है। जी बंसल जी, विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी, देखिए अनिल जी, इतिहास गवाह है अनिल जी, देखिए गब्बर को शोले के लिए याद किया जाता है, जबकि याराना करी थी और हमारे जैन साहब उसका गाना भी कितनी बार गा चुके हैं। तो अनिल जी, पब्लिक की इमेज ना अनिल जी, वो पब्लिक में, हाँ अनिल जी, उसमें चेंज करना काफी मुश्किल है अनिल जी। ये बात तो सही है। मैंने एक वो कोई मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देखी थी, इसमें वो मतलब बड़ा गुंडा होता है और वो उसके बाद वो सब कुछ बुरा काम छोड़ के अच्छा इंसान बन जाता है, वो उस फिल्म की हीरोइन के साथ शादी वादी करके घर बसा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी है ना वो मतलब सोसाइटी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आशीष सर थोड़ा वक्त लगेगा, अब की बार जब भी मंदी वंदी आए तब भी तेजी तेजी बोलते रहेंगे तो लोग भूलेंगे कि आशीष सर मंदी वाले, लेकिन हेड्स ऑफ, वाकई में मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन आपने पिछले 1500-2000 पॉइंट की तेजी में पूरे अच्छे से तेजी पकड़ी, और बार बार ये लगातार कहा है आपने कि बिल्कुल भी इंडेक्स पे गुस्सा ना निकालें, इंडेक्स पे शॉर्ट ना करें, एंड आई एम श्योर अगर आप जैसा एक्सपर्ट जो मंदी की राय इतनी स्ट्रांगली देता है, जब वो तेजी की राय स्ट्रांगली देता है, तो वो भी अपने आप में व्यूअर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, तो कम से कम मेरा तो बढ़ा, बाकी का मुझे नहीं पता, और बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी, पैनलिस्ट ने भी खुलकर कॉल दिए होंगे कि चलो आशीष सर मंदी में नहीं है तो थोड़ी रिस्क तो कम है। आइए, तेजी जबरदस्त होती दिख रही है, इस तेजी में कुछ स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में, उन पर फोकस कर लिया जाए। ऑटो शेयरों में आज आग लगी है, आशीष सर अभी भी कोई मौका दिख रहा है? कोई ऑटो स्टॉक ऐसा है जो आपके रडार पे, जहां अब भी मौका है, अब भी खरीदा जा सके जिसे? अनिल जी, मुझे तो टाटा मोटर ही लगता है, बिल्कुल टाटा मोटर 200 रुपए का भाव लगता है अनिल जी, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, तो मुझे अभी भी जो बेस्ट बेट लगती है अनिल जी, बिल्कुल ये कि तो ये सारे स्टॉक्स हैं ना अनिल जी, जैसे मैं जो पहले टाटा स्टील में हुआ, और ये जो फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और टाटा मोटर में भी हम दो दिन से बात कर रहे हैं कि अब ये चलने को तैयार है, लेकिन इस तरह की फिरोशियस मूव पर अनिल जी, मुझे लगता है कि टाटा मोटर भी अब 200 क्रॉस कर जाएगा, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए, देखना चाहिए, इवन अशोक लेलैंड भी। सो अनिल जी, ये सारे के सारे स्टॉक्स अभी ना अच्छी मूव दिखा रहे हैं, छोटे छोटे डिप जरूर आएंगे, उन डिप्स में घबराना नहीं अनिल जी, अभी बाय एट डिप्स है, और टाटा मोटर जी मेरा 200 रुपए का टारगेट इंटैक्ट है। ओके, तो 200 रुपए का टारगेट इंटैक्ट है आशु जी की तरफ से। अनिल जी ने आपको ट्रेडिंग पिक दी थी, वहां के टारगेट्स आ गए हैं, पर यहां से और मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है टाटा मोटर्स, नजर रखिए इस स्टॉक पर। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने दो दिन पहले मोहर ट्रेडिंग पर टाटा मोटर्स पर क्या सलाह दी थी।
टाटा मोटर्स समझ में आता है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, कैश मार्केट में डिलीवरी के तौर पर भी आप ले सकते हैं। जो बाइडेन साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद चीन के साथ उनके रिश्तों में जो खटास है थोड़ी कम होने की संभावना है, और जैसे ही चीन अमेरिका के रिश्ते थोड़े बेहतर होते हुए नजर आएंगे, टाटा मोटर्स जिसका दोनों ही जगह बड़ा प्रभाव है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, तो वहां पर आपको एक स्टॉक में बढ़िया रीरेटिंग होती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है 170 रुपए तक के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि उम्मीद थी कि हफ्ते भर में आपको 10 से 15% के रिटर्न मिलने चाहिए, 148 से 172 73 के आसपास की जो ये इसकी यात्रा रही है वो काफी बेहतरीन है। सुपरहिट कॉल रही टाटा मोटर्स की, सुपरहिट कॉल रही एसबीआई पर, और सुपरहिट कॉल रही है अब तक बैंक निफ्टी पर भी लगातार पिछले कई दिनों से। तो अब देखते हैं कि फ्रेश कॉल्स क्या आ रही हैं इंडेक्स पर। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, जो ग्लोबल सुस्ती थी वो भी कहीं ना कहीं अब एक्टिव होती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स थे वहां पर निचले स्तरों से रिकवरी आई, एटलीस्ट अब सपाट हो गए, तो वहां पर एक रिकवरी देखी है। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी सर, पर वहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी आई है, और अब यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मामूली सी अब गिरावट के साथ यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में मिला जुला एक्शन रहा, बट अच्छा ही एक्शन कहेंगे सर, क्योंकि हांगकांग 0.5% ऊपर था और चाइना भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। जापान के बाजार आज जरूर 1% नीचे थे, वहां पर जो ट्रेड डेटा आया था वो उतना अच्छा नहीं था, बट बाकी ठीक ठाक ही एक्शन रहा एशिया में भी। तो बताएं सर, अब क्या करना चाहिए? दीप, कुछ मुझे इंटरेस्टिंग डेटा नजर आ रहे हैं, तो मुझे आपसे 2 मिनट का समय चाहिए। मैं वैसे तो मैं तैयार ही था और आपने एकदम सही वक्त पर ही आप मेरे पास आए, लेकिन एक डेटा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट और लगाकर उसमें मैं गौर करूं, ताकि मैं ज्यादा अच्छे से आपको एनालिसिस दे पाऊं। और तब तक अगर सेठी साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम सेठी साहब की पिक्स पहले ले लेंगे, और उसके बाद मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा बताने के लिए तैयार हूं। तो मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा नजर आ रहा है, तो इसके लिए मुझे आपसे 2 मिनट का समय और चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट आपने मुझे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट का समय और। बिल्कुल अनिल जी, तो आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहे हैं सर। एक अपडेट मेरे को राकेश जी, कुणाल जी से भी लेना था, क्योंकि हम ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहे थे और M&M पर हमारा व्यू था। आज के मॉर्निंग शो की आखिरी कॉल थी, M&M पर खरीदारी की और 700 का इवेंचुअल टारगेट दिया था, जो आज ही आते हुए दिख गया है। तो बंसल जी, अब जो टारगेट आ गया है M&M पर, अब क्या करना चाहिए? मुनाफा बुक कर ले या यहां से और तेजी देख रहे हैं? स्टॉक तो अब 700 के भी ऊपर होल्ड कर रहा है। नहीं नहीं दीपांशु, हमने जो कॉल दिया था वो कॉल शॉर्ट टर्म के लिए था, और उसके सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा टारगेट से ओवरशूट हो गया है, तो यहाँ पर M&M में मुनाफा बांधने की राय है। ओके, M&M में मुनाफा बांधने की राय है आपके लिए, सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पर M&M पर जो आज राय दी, बहुत तगड़ी दौड़ लगाते हुए नजर आया, ये स्टॉक भी जबरदस्त भागता हुआ दिख रहा। आइए, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले सेठी साहब से ले लिया जाए और उसके बाद मैं आपको देता हूँ पूरी तरह से अपनी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सेठी साहब के लिए बिगुल सदाबहार, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, वक्त ऐसा है कि आपकी एक पिक से तो काम चलेगा नहीं, बताएं सर कौन कौन सी कितनी पिक्स हैं। हाँ, एक चीज और है, आप कभी चाहें और बहुत अच्छा मूड हो, बहुत बुलिश फील कर रहे हो, तो 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। गुड आफ्टरनून नवीन जी, बिल्कुल आज तो वैसे 2 ही पिक है, एक कैश मार्केट की, एक एफएलएस स्पेस की। और पिक देने से पहले एक थोड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है, और हाल ही में दिए गए स्टॉक्स ने बहुत ही कमाल किया है। आपको तो याद रहता है मैंने हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज, नौकरी, फिर आपके HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC हाउसिंग, सबको रिकमेंड किया। और कल शाम को जो बाजार आज और कल शो होता है उसमें भी जो इंट्राडे पिक देनी रहती है उसमें कल मैंने शाम को 240 के लेवल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह दी थी, जो सुबह आज मिल रहा भी था, 238 के इसने लोज भी टच किए, अगर किसी ने लिया होगा वो सुन के। तो अभी ये 250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें भी ट्रेडर्स निवेशकों को फायदा हुआ होगा। जहां तक मेरी आज की पिक का सवाल है, जो कैश मार्केट की पिक है अनिल जी, स्टॉक का नाम है राइस। रेलवे में जो
ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कंपनी है। ये कंपनी 46 साल से इस कारोबार में है, 55 देशों में एक्सपोर्ट होती है इनकी सर्विसेज, 55 देशों में ये काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। पिछले साल 16 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 6.3% की डिविडेंड यील्ड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, एक जीरो डेट कंपनी, और पिछले 3 साल में 21-22% की दर से प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज करी है। और FIIGIS भी अराउंड 22% हिस्सेदारी रखते हैं। और इस स्टॉक को आज चूज करने के पीछे कारण भी है, एक तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं जो मैं जिक्र कर रहा था, ऑर्डर बुक है करीबन 6,660 करोड़ की, तो अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और बाकी जिस तरह से बुलेट ट्रेन का जो एक बिड खुलने वाली है, इस कंपनी ने भी जापानीज कुछ कंपनियों के साथ कंसोर्शियम में उसमें पार्टिसिपेट करा है, तो वहां पे भी एक बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता, और अब हम बजट से या रेलवे बजट से बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है अभी से प्लान करना पड़ेगा। और इस तरह की सॉलिड कंपनी, जो कि ये जो 13,000 के लेवल पे निफ्टी चल रहा है, बहुत ही सेफ्टी है करंट लेवल पे, और हाल ही में इसने 265 के भाव पे बाईबैक भी किया हुआ है कंपनी ने, तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 270 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 247 रुपीज का। ओके, 247 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें राइट्स रेलवे की ये कंसल्टेंसी वाली कंपनी, यहां पर बड़ा एक्शन दिखेगा और स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ 4% मजबूत है आज के सेशन में, और ये एक बैटिंग और बिल्कुल परफेक्ट का आज मुंबई पुणे हैदराबाद ये बुलेट ट्रेन के टेंडर खुलने वाले हैं, और बुलेट ट्रेन के टेंडर खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की पड़ती तो वो है कंसल्टेंसी, और कंसल्टेंसी देने में राइट्स है सबसे आगे, तो ये है आपके लिए वो बेहतरीन स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस। 270 ये टारगेट जल्द हासिल होने वाला, एकदम परफेक्ट। ये सबसे खास बात है सेठी साहब की, खबर, फंडामेंटल और स्टॉक तीनों को एक साथ मिलाकर जो सिलेक्शन करते हैं वो लाजवाब है, परफेक्ट। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक एफएन वाला वो बताइए, वो ज्यादा भागता है, आपके एफएन वाले स्टॉक तो कमाल ही करते हैं, जल्दी से बताइए सर वो कौन सा है। हाँ अनिल जी, जो एफएन वाला स्टॉक है वो देखिए, आज सबकी नजरें जब एनबीएफसी और बैंक के ऊपर है, मुझे लगता है फार्मा को नहीं भूलना चाहिए। ये ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा सब्ड्यूड है, बट इट विल कम बैक विद अ वेंजेंस। और हमने हाल ही में देखा वॉरेन बफेट जी ने, जो दुनिया के सबसे सफलतम निवेशक है, कल ही अपडेट आया है कि सितंबर क्वार्टर में यूएस की 3-4 फार्मा कंपनियां में उन्होंने खरीदारी करी है, जैसे फाइजर है, मर्क है, ब्रिस्टल मायर्स है। तो फार्मा सेक्टर से मैंने आज पिक किया है टोरेंट फार्मा को, जो कि 2650 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही जल्दी 2750 का टारगेट है, 2625 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और वैसे भी कल ग्लैंड फार्मा की लिस्टिंग होनी है, मुझे लगता है वो लिस्टिंग भी अच्छी रहनी चाहिए, और उसके ऊपर भी मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स कल फोकस में रह सकते हैं, तो टोरेंट फार्मा में करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह। टोरेंट फार्मा यहां पर करनी है खरीदारी, एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर अब लग रहा है कि ये रेंज के बाहर निकलने की तैयारी में है। शुक्रिया सिटी साहब अपनी बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। राइट, टोरेंट फार्मा, ये हैं दो कॉल्स टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में आपको खरीदना है, पर आइए चलते हैं अनिल जी के पास बिगुल के बाद स्ट्रैटेजी के लिए। बताएं सर। दीप, पहले निफ्टी के डेटा में बता दूं आपको, पहले बैंक निफ्टी के बताऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और मैं रुका ही बैंक निफ्टी के डेटा के लिए था कि बैंक निफ्टी के डेटा कमाल करने की तैयारी में दिख रहे हैं। और अब आप कहेंगे कि 2% बढ़ा हुआ है फिर भी कमाल, मैं कहूंगा हाँ फिर भी कमाल, क्योंकि डेटा ही इतने मजबूत है, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप देखिए बैंक निफ्टी 29,175 कल हासिल हो गया था वो लेवल, 29,275 आज सुबह सुबह मिल गया, 29,550 तीसरा टारगेट दिया था, मैंने कहा बीच में टारगेट नहीं है, 29,450 का छोटा टारगेट सिर्फ स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए दिया था, और कहा भी कि वहां प्रॉफिट बुक ना करें, प्रॉफिट 29,550 के पहले बुक ना करें, और अगला टारगेट 29,750 का था। सारे के सारे आज के टारगेट आ गए, अगला फाइनल टारगेट 29,900 का है। 29,900 के बाद के भी मैंने आगे के लेवल निकाल लिए। मैं एक्चुअली है ना, आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन मैं कल रात को ही पूरी तैयारी करके बैठा था। अभी मैं आपको बता सकता हूं 29,900 को पार करने के बाद 30,150
230, 250, 330, 330, 425। फाइनली बैंक निफ्टी जहां पर रुकेगा वो 30,400, 30,500 के आसपास का लेवल है जहां पर जाके रुकेगा। तो ये यहां से भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है दीप, क्यों है वो अब मैं बता दूं, अब मैं कारण बताता हूं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में पुट में है 29,000 के लेवल पर और कॉल्स में है 30,000 के लेवल पर। अब आइए, आपने जैसे ही 29,500 पार किया बैंक निफ्टी पर, कुल मिलाकर 30 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो गए कॉल राइटर्स जिनकी कल एक्सपायरी होनी है। 29,700 आपने पार कर लिया, जैसे आपने 29,700 पार किया 37 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। और अगर आप गलती से 30,000 के पार निकल गए तो सोचिए 57 लाख शेयर अभी मेरे सामने कॉल्स में ऐसे दिख रहे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे। चलिए उनको छोड़ भी दीजिए, फिर भी 37 लाख शेयर तो अभी ऑलरेडी शॉर्ट हैं, 37 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं। तो दो चीजें होंगी, पहला ये पहली बात तो ये गिरने नहीं देंगे, अब 100, 150, 200 पॉइंट जैसे नीचे आएंगे शॉर्ट सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, और अगर ये इसी तरह से शॉर्ट होते रहे तो बैंक निफ्टी इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान शॉर्ट सेलर्स की तरफ से आ रहा है और जिस तरह के शॉर्ट्स हैं ये आसानी से रुकने वाला नहीं है। इस हिसाब से 29,900, 30,000 ये अगला टारगेट होगा, हम 29,900 का टारगेट लेके चलेंगे। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट्स हैं, प्लीज आप खरीदें ना खरीदें शॉर्ट ना करें, शॉर्ट मत करिए। शॉर्ट करने का वक्त आएगा तब हम शॉर्ट भी बोलेंगे, जितनी मंदी हमने बोली होगी शायद किसी ने नहीं बोली होगी, लेकिन वो वक्त था जब मंदी बोलने का वक्त था, ये वक्त है जब तेजी का वक्त है ये ट्रेडिंग के लिहाज से। इन्वेस्टर्स के लिए तो तब भी बोला था 7,500 पे भी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक दिन का सिंगल 40% उसी दिन जाना चाहिए, वो अपनी जगह अलग बात है, लेकिन आज अभी ट्रेडिंग के लिहाज से आपको मंदी नहीं करनी, ये ध्यान में रखिए। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है आपके लिए बैंक निफ्टी पे, 30,000 के पार निकलेगा तो और ज्यादा तेजी होगी। फिलहाल आप 29,900 का टारगेट रखिए, मंदी मत कीजिए, प्रॉफिट अगर आपको आ रहा है तो 29,900 के आसपास बुक करिएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज अब आइए, मैं वापस से अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो कहां करनी है, 29,450, 29,550 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, वहां से आपको फिर एंट्री करनी है। टारगेट 29,750 और 29,900 का आप रखेंगे, ये ध्यान में रखिए। और अभी आपकी पोजीशन है तो 29,900 का टारगेट रखिए, ये एक चीज क्लियर है। अब आइए निफ्टी, निफ्टी में 12,800, 13,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है डेटा के लिहाज से। 12,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 46 लाख शेयरों का पुट में, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो आपको ये पता है कि आपकी नीचे की रिस्क कितनी है, और जब आपको ये पता है कि आपकी नीचे की रिस्क 100-125 पॉइंट की है तो फिर आप आराम से तेजी खेल सकते हैं। ऊपर में 13,000 पार करना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, तो आप 12,975 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। वहां बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो एक बार शॉर्ट करने का सोच सकते हैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 12,975, 13,000 पर। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 13,000 के कॉल्स पर 44 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 12,800, 13,000 पुट और कॉल में लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट है, दोनों जगह हाईएस्ट है। लेकिन 12,950 के ऊपर आप अभी हैं, और दीप यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी क्यों नहीं गिरेगा, उसका रीजन बताता हूं क्यों। ग्लोबल मार्केट सुस्त है, ठंडे, उसके बावजूद आप बढ़ रहे हैं। 70 लाख शेयर 12,900 के कॉल राइटर्स यहां पर शॉर्ट हो चुके हैं, 70 लाख शेयर बैंक निफ्टी में जो कल एक्सपायरी होनी है। 12,950 पार करेंगे तो 83 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो इतने शॉर्ट हैं सिस्टम में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिक्कत वही है, अगर आप इतने शॉर्ट रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्लीज शॉर्ट ना करें, आपसे लॉन्ग हो तो ठीक है, डर लगता है तो कोई गलत बात नहीं, डर लगना भी चाहिए ऐसे मार्केट में, इस तरह ओवर हीटेड मार्केट है, डर लगना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं लगना चाहिए। अगर डर लगे तो कुछ ना करें, लेकिन शॉर्ट ना करें, इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्लीज शॉर्ट ना करें, क्योंकि शॉर्ट सेलर से मार्केट को बढ़ा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जी दीप, बिल्कुल, तो शॉर्ट सेलर्स मार्केट को बढ़ा रहे हैं और हम तेजी का फायदा उठा रहे हैं, बट शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ से बाजार पर भरोसा रखना है और ऊपर के लेवल्स और कुछ जो अहम लेवल्स का इंतजार है वो आने की तैयारी में है। रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर नहीं है इस समय बैंक निफ्टी, सिर्फ 20 पॉइंट की दूरी दिखा रहा है, फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड लग चुका है, देखते हैं स्पॉट लेवल्स अब आते हैं कि नहीं। डेज हाई पर इस समय ट्रेड हो रहा है और बैंक्स में जबरदस्त तेजी है, पर एक बैंक है जहां पर आप दूसरी तरफ का एक्शन देख रहे हैं, बल्कि 20% का लोअर सर्किट है और विदाउट सरप्राइज ये है लक्ष्मी विलास बैंक, जहां पर आरबीआई ने मॉरेटोरियम कर दिया है और मोर इंपॉर्टेंटली डीबीएस बैंक के साथ मर्जर होगा, शेयर होल्डर की वैल्यू अब नील होने वाली है। थोड़ी देर में बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले पूजा त्रिपाठी से जान लेते हैं कि क्या है ये पूरी खबरें लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर और एग्जैक्टली हुआ क्या है इस बैंक में, बताएं पूजा।
जी दीपांशु, अब से थोड़ी देर में 15-20 मिनट में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लक्ष्मी विलास बैंक के, और इसमें कुछ और भी ज्यादा डिटेल्स निकल कर आ सकती हैं। अभी जो डिटेल्स आई है उसमें यह है कि आरबीआई ने 1 महीने का मॉरेटोरियम लगा दिया है बैंक पर, 16 दिसंबर तक जारी रहेगा और ग्राहकों को सिर्फ 25,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएंगे, ये भी उनको आदेश दिया है। वजह ये भी थी कि लक्ष्मी विलास बैंक के जो हालात थे पिछले काफी समय से, जो उनकी वित्तीय हालत थी वो काफी ज्यादा बिगड़ रही थी, बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैनेजमेंट की खामियां भी वहां पर देखने को मिली थी। और अगर मौजूदा वित्तीय स्थिति देखें तो सितंबर तिमाही में बैंक को करीब 397 करोड़ का घाटा हुआ, 397 करोड़ का। बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 24% के भी ऊपर निकल चुका है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो केवल 0.17% रह गया है, जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है बैंकों के लिए वो 10.8% के आसपास है और उसके सामने केवल 0.17% है। और अगर बाकी वैल्यूएशन भी देखेंगे तो ईपीएस और नेगेटिव ईपीएस और पी पर बैंक इस वक्त कारोबार कर रहा है, नेट एनपी के आंकड़े भी कमजोर है। लेकिन हालात खराब है लक्ष्मी विलास बैंक के, अभी भी जो थोड़ी बहुत वैल्यू बची है जो कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है लक्ष्मी विलास बैंक के केस में, वो ये है कि डीबीएस बैंक की आने की बात की जा रही है, वो निवेश कर सकती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है और करीब 2500 करोड़ का निवेश डीबीएस बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक की जो मौजूदा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो 262% है, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो में कोई भी यहाँ पर लिक्विडिटी बैंक की अच्छी है। प्रोविजन एनपीए बढ़े हुए हैं लेकिन प्रोविजन के फ्रंट पर भी देखेंगे तो बैंक ने पर्याप्त प्रोविजनिंग भी की हुई है, जिसका असर हमें मुनाफे में भी देखने को मिला। तो कुछ फ्रंट पर नंबर्स ठीक ठाक भी हैं, अगर ये कैपिटल मिल जाता है, एक बड़ा कैपिटल मिल जाता है लक्ष्मी विलास बैंक को तो वो काफी पॉजिटिव होगा और आगे वाले समय हम देखेंगे कुछ सुधार भी देखने को मिलेगा। बाकी जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, देखना होगा क्या कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनाए रखे नजरें बनाए रखे उस कॉल पर जो आ रहा है वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर, उसके बाद जय भी तैयार है और नितिन जी भी तैयार है निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। तो पहले वागले साहब के पास। अनिल जी बनाए सर, अनिल जी मॉर्निंग में हमने MGL दिया था 902-903 में, अभी वो 909-910 के आसपास है। IGL आपने मुझे तभी पूछा था, मुझे उसमें अभी मोमेंटम दिखाई दे रहा है, 450-450-453 का करंट भाव है, इसने अभी 450 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस तोड़ा है, आपका 449 का स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 4 रुपए का, और 465 का पहला टारगेट, 472 का दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 449 के स्टॉप लॉस के साथ IGL में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे पहले जल्दी से एक बार जय का जैकपॉट जल्दी से जय का ले लेते हैं और उसके बाद हम नितिन जी के पास चलेंगे। हाँ, और कुणाल जी राकेश जी भी आपको स्पेशल पिक देने को तैयार है, तो बिगुल जल्दी से। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी बाय करना है बाटा, बाटा का इनफैक्ट कॉल ऑप्शन थ्रू अनिल जी हम बाय करेंगे, उसका 1400 का नो कॉल ऑप्शन बाय करना है जो ऑलमोस्ट अभी यू नो एट द मनी है, तो 1400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इसका खरीद कर चलना है जो करीब अभी 32 रुपए के वो 45 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 53 का, तो 45 एंड 53 ये दो टारगेट्स के लिए बाटा का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 21.40 के स्टॉप लॉस के साथ। रीजन ये एनर्जी के मार्च में हमें जो कॉल देखने मिला उसके बाद फर्स्ट टाइम बाटा सेकंड कंसेक्यूटिव डे अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 9 बार अटेम्प्ट किया एनर्जी, पूरे बाउंस बैक में बाटा ने 9 टाइम्स अटेम्प्ट किया 200 डेमा के ऊपर जाके क्लोज करने का, मगर हमेशा वो अटेम्प्ट फेल रही और बाटा सस्टेन नहीं कर पाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च कॉल के बाउंस बैक में हमें 200 डेमा के ऊपर इतनी कोशिश के बाद अब बाटा में एक क्लोज देने को है 200 डेमा के ऊपर सेकंड कंसेक्यूटिव डे में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा अनिल जी, और ये डेटा के ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ बाटा इज इंचिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1450 इनिशियली, और ये निकलते मुझे ऐसा लग रहा है 1520 तक हो जाएगा, तो मेरा इवेंचुअल टारगेट तो 1520 का है। सो बाटा में यहाँ से हमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, इसको खरीद कर चल सकते हैं। ओके, बाटा में बड़ी तेजी बनने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1400 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए आप 25 रुपए में 4553 के टारगेट के लिए। आइए अगला बिगुल नितिन जी के लिए, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का स्वागत करने का।
बताएं नितिन जी। जी हम कल की एक्सपायरी का 12,950 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 33-34 रुपीस में मिल रही है। ये एक तरीके से हीरो जीरो आप मान के चलें क्योंकि 33-34 रुपीस का प्रीमियम है तो उतना ही मेरा रिस्क है। फिर भी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 15 रुपए का रखना है क्योंकि जीरो होने से बेहतर है कि हम थोड़ा स्टॉप लॉस रख के चलें। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और जिस तरीके से आज डेटा बना है सुबह से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में और बाइंग आई है, मुझे लग रहा है कल हम लोग 13,000 की तरफ जाएंगे और अभी जो क्लोजिंग में बचे हुए हैं 35-40 मिनट उसमें भी निफ्टी और ऊपर जा सकती है। तो इसका टारगेट हम 65 रुपए का रखेंगे यानी हम 33 में खरीद रहे हैं, 65 का स्टॉप लॉस है और 15 रुपए का आज का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आज 15 ट्रिगर हो जाता है तो कैरी नहीं करेंगे और अगर ट्रिगर नहीं होता है तो फिर हम कल कैरी करेंगे। ओके तो निफ्टी पर खरीदें 12,950 का कॉल ऑप्शन और 33-34 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे ले लीजिए। 15 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 15-20 रुपए की ही आपकी रिस्क है, 65 रुपए का टारगेट यहां पर रखिए। तो 12,950 का कॉल ऑप्शन। नितिन जी साथ ही लगे हाथ बैंक निफ्टी के डेटा पर भी एक बार जरा रोशनी डालिए, वहां कैसी सिचुएशन दिख रही? बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, निफ्टी से कंपैरेटिवली डबल से भी ज्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का डेटा और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में फिर से रैली बननी चाहिए और यहाँ से कम 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली और बन सकती है, वही निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 30,000 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है। तो बैंक निफ्टी का डेटा जी बहुत पॉजिटिव है बट प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए मैं बैंक निफ्टी में नेकेड नहीं ले रहा हूँ। बट मुझे उससे बेटर क्योंकि आज बैंक निफ्टी ऑलरेडी बढ़ी हुई है 600 पॉइंट वेयर एज निफ्टी केवल 55 पॉइंट ऊपर है, तो निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है इसलिए निफ्टी की कॉल केवल ले रहे हैं। और बैंक निफ्टी में सुबह हम लोगों ने ली थी, उसमें अच्छा मूव आया बट हम लोग निकल गए उसमें से, बट बैंक निफ्टी का डेटा काफ़ी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी 29,000 के ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। ओके 30,000 के ऊपर जाने को तैयार है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी 13,000 के ऊपर जाने को तैयार है। 13,000 और 30,000 ये दो आंकड़े रखिए नजर में, यहां पर एक्शन भरपूर होने की तैयारी में। नितिन जी की तरफ से राय सिर्फ ये कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस थोड़े से महंगे इसलिए वो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं। 12,950 का कॉल ऑप्शन खरीदिए आप 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 65 का टारगेट और दिन के हाई पॉइंट की तरफ निफ्टी भी आता हुआ 12,920 का ही है, 12,915 के आसपास ट्रेड करता देखा है और बैंक निफ्टी भी 29,771 का हाई है स्पॉट लेवल पर, 29,720 पर ट्रेड करता हुआ था, डे हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और संभावना पूरी है कि डे हाई पर ही क्लोज होते हुए दिखेंगे और वो भी तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है। और फर्ज करें कल की एक हल्की कमजोरी के बाद अगर डाओ आज फिर से उछाल मार दे तो कहना ही क्या, लेकिन एक और स्टॉक जो उछाल मारने को तैयार है वो बता रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी अपनी स्पेशल पिक के साथ। चार्ट कॉर्नर का बिगुल नहीं है, बिगुल है स्पेशल पिक का। बताएं सर। अनिल जी छोटा सा करेक्शन है, आपने बोला उछाल, अनिल जी उछाल नहीं, बड़ी और लंबी उछाल मारेगा और स्टॉक है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और इस स्टॉक ने एक नेकलाइन तोड़ रहा है और अनिल जी अभी इतिहास गवाया है इस बाजार के अंदर जो मार्केट में रैली चल रही है, जिस स्टॉक ने नेकलाइन को तोड़ी है वो तेजी से भागा है। तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग एक बड़ी उछाल दिखाने का दमखम रखता है और दिखाएगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए कॉन्सेप्ट है पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट का जिसको मैं बड़ा तरजीह देता हूं अनिल जी, और उसमें आज एक बड़ा ब्रेकआउट एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक को अनिल जी देखें तो 72 रुपए से 58 रुपए की एक रेंज में काफी वक्त बिता चुका है और आज 72 रुपए के ऊपर ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो अनिल जी ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कम से कम 10 रुपए की तेजी आपको मौजूदा भाव से स्टॉक में देखने को मिलेगी, तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग डेफिनेटली मौजूदा स्तरों पर बाय करें। यहां पर ब्रेकआउट लेवल से हल्का सा नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 72 पर रखना है, ब्रेकआउट का लेवल 72.25 रुपए है तो 72 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। और जो टारगेट होगा अनिल जी वो काफी अग्रेसिव टारगेट्स बनते हैं, जो पहला टारगेट हम लोगों ने सेट किया है वो 78 रुपीज का 78 रुपए का और दूसरा टारगेट 82 रुपए का है, तो 82 रुपीज के टारगेट के लिए एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में खरीदानी किराए। एक जमाना था जब ये 150 रुपए के आसपास चलता था और तब 130, 150, 160, 70
वहां पर जब L&T फाइनेंस का हम नाम लेते थे और नाम लेते ही आशु सर का तीसरा नेत्र खुल जाता था। अब अच्छी बात यह कि आशु सर की वक्र दृष्टि इस स्टॉक पर नहीं पड़ती है और ये स्टॉक मजबूत होने की संभावना रखता। आशु सर, ये भाव में बेचने जैसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपकी एक तो याददाश्त, अब आप कहते हो कि वैसे इमेज बदलो, अब आप ऐसी चीजें याद दिला देते हैं तो कैसे बदलेगी ये पुरानी बातें सारी। पर अनिल जी अभी कोई भी बेचने वाला नहीं है, मैंने आपको और अनिल जी आपने एक और चीज बिल्कुल बोली, ये 11,600-11,700 से ही मैंने कहा था निफ्टी धमाल करेगा, तो आपने जो 1200 पॉइंट वाली बात बोली वो भी ठीक है, बिल्कुल 1500 पॉइंट वाली ठीक है। और अनिल जी अभी इनमें से किसी में भी, जो मैं पिछले हफ्तों से कह रहा हूँ कि कोई भी सेल कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा, तो जो सेल कैंडिडेट नजर ही नहीं आ रहा, तो अनिल जी बहुत मतलब जितने सारे जो लेगार्ड थे और जिस तरह से ये ब्रॉड बेस रैली चल रही है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउट करेंगे तो मिस करेंगे, यही टाइम है अनिल जी, ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, जब जब आती है उसमें डाउट करेंगे तो फिर आप एक बहुत बड़ा मूव मिस कर देते हैं, स्विफ्ट मूव मिस करते हैं, तो अभी पार्टिसिपेट करते रहिए, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं दिखती है। बिल्कुल, तो पार्टिसिपेट करते रहें, ये बने रहें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए, वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है सर आपका। भसीन साहब बताएं सर, पहले तो अपडेट और साथ ही डायरेक्शन। अपडेट सुबह की 3 कॉल थी, वेदांता वो 107 में दिया था, वो 111 10.5 बिक गया, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। BEL 9850 बिक गया, वो बुक कीजिए। अशोक लीला 97 बिक गया, वो बुक कीजिए। कल आपको 67-68 में L&T फाइनेंस दिया था, वो आज न्यू हाई पे आ गया 74.5, वो बुक कीजिए। सुबह अब आपको मैंने दी थी HCL टेक और सिप्ला, सिप्ला एंड HCL टेक विल आउट परफॉर्म, लेके रखिए और लेके रखिए, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम वेरी बुलिश ऑन द ऑन द ब्लू चिप्स, जिनको आज आप निगलेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहें तो एक कॉल है और ये भी ऑटो से संबंधित है, बिकॉज ऑटोज आर गोइंग थ्रू द रूफ और आई एम वेरी बुलिश ऑन ऑटोज। बताएं सर, प्लीज बताएं। तो सबसे बढ़िया टू व्हीलर में होएगा आउट बीटिंग हीरो एंड बजाज, TVS मोटर 475-76 है, 467 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 525, शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट अबव 505। ओके, 505 छोटा टारगेट, 525 बड़ा टारगेट, खरीदारी करें TVS मोटर्स में 475-476 के आसपास, 467 ये होगा आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल, और ये एकमात्र पिक है भसीन साहब की तरफ से BTST के तौर पर खरीदारी करने के लिहाज से, ये है आपके लिए। तो बहुत बहुत ही बढ़िया, ये एक और पिक आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ बेहतरीन रिसर्च भी हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ एक्शन हो रहा है, और 3 बजे यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली, उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो TN मनोहरन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लक्ष्मी विलास बैंक से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी देने की तैयारी में, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स जो भरपूर एक्शन में दिख रहे हैं उन पर एक बार राय ले ली जाए। बजाज फिनसर्व, ये एक और स्टॉक है। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, आपका पूना वाला स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ रहा है 7,750, कितनी तेजी और बाकी है अभी? जी ओवरस्टेज दिख रहा है, पिछले हफ्ते हमने ये लगभग 6,000 के आसपास था, अभी 7,700 क्रॉस कर दिया है, तो इतने आगे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी फ्रेश बाइंग करना चाहिए, जिनके पास है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, और मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 7,450 का, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। ओके, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, बट फ्रेश बिकवाली की फिलहाल सलाह नहीं आती हुई दिख रही है। बजाज फिनसर्व दोनों पर ही भरे से बढ़िया मूवमेंट है, और SBI अब 250 के भी ऊपर आते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस भी अब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है निचले स्तरों से, अब यहाँ पर भी एक्टिविटी आई है, एक एक करके अब सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं आपको मूवमेंट के संकेत दे रहे हैं। पर एक और स्टॉक इस पूरे एक्शन में जो अब फिर से मूव दिखाते हुए दिख रहा है, इंटरग्लोब एविएशन, ये अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, 1700 के लेवल्स हैं इंटरग्लोब एविएशन पर इस समय
वागले साहब कुछ करना चाहिए इंटरग्लोब में 1700 के लेवल्स पर? दीपांशु मुझे काफी टाइम से स्टॉक अच्छा लग रहा है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, इसके लिए मैंने ये कवर नहीं किया है। मुझे लगता है ये 1770 तक ये मूव में जाना चाहिए। करंटली एट 1699 1650 का स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से काफी दूर है 1650-1655, तो थोड़ा सा नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है 1680-1670 ये रेंज में with a stop loss of 1650 for a target of 1760-1770. ओके, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आता है बट एक्शन भरपूर है और यहां से और ऊपर जाने की तैयारी में इंटरग्लोब एविएशन। आइए बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बधाई जय। जी दीपांशु हमने बाटा का जो कॉल दिया था 1400 का, 45 का फर्स्ट टारगेट था, उसके काफ़ी करीब आ चुका है, तो जिन्हें प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं। 4395 का हाई लगा चुका है और जिन्हें ट्रेल करना है स्टॉप लॉस कॉस्ट पे 32 पे, जो हमने 32 का एक लेवल दिया था वहाँ पर ट्रेल करना है तो ट्रेल भी कर सकते हैं। एंड अभी जो बाय रिकमेंडेशन दे रहा है वो है मारुति पर, मारुति का 7100 का दीपांशु कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है जो करीब आपको अभी 130 रुपए पे मिलेगा, इसको खरीदना है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है दीपांशु, मैं कहूँगा इसके लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, 130 पे आप खरीद रहे, स्टॉप लॉस लगाना है 105 पर, केवल 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है, सॉरी एकदम लो रिस्क के ऊपर में। टारगेट जो पहला वाला बन रहा है वो 170 का है एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 195 तक भी जा सकता है ये 7100 का कॉल ऑप्शन, बिकॉज निफ्टी ऑटो इंडेक्स में बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, इसमें एक ब्रेकआउट हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखने मिल रहा है। और खास करके अगर मारुति में देख रहा हूँ तो वो भी एक सिमिलर पैटर्न तो नहीं है, सिमिलर कंसोलिडेशन तो नहीं है, मगर इसमें भी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है। एंड आई थिंक यू नो निफ्टी मारुति इज गोइंग टू गो नो निफ्टी ऑटो के डायरेक्शन में ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अब 7250-7300 तक हो सकता है मारुति यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर किसी कोई स्पॉट में भी खरीदता है तो दीपांशु मैं कहूँगा छोटा सा एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑप्शंस के जरिए तो केवल 25 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो मारुति का 7100 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले। ओके, 7100 का कॉल ऑप्शन 130 में खरीदिए, 105 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 25 रुपए का, 170-195 के टारगेट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब सुमित जी तैयार है एक्सपायरी के ऑप्शन के साथ। सुमित जी आपका दिवाली के दिन का और आज सुबह का टाटा मोटर्स धमाल करता हुआ नजर आ रहा है, 9% ऊपर 173 का टारगेट भी आ गया। सुबह भी आपने साफ साफ कहा कि अभी भी मत बेचिए, रखिए, 170 के पार तो निकलेगा ही निकलेगा होता दिख रहा है। बधाई आपको, बधाई सर, एक तो अपडेट भी दें और साथ ही एक्सपायरी का ऑप्शन। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बिल्कुल एकदम आपने एकदम दिवाली मुहूर्त वाले दिन एकदम सही पकड़ा था स्टॉक और बहुत बढ़िया चला है। और अनिल जी उसके साथ साथ एक और एक याद दिलाना, स्पाइस जेट भी दिया था कल हमने बाय के लिए, वो स्टॉक भी आज 12% ऊपर है। तो टाटा मोटर DVR, स्पाइस जेट, सारे स्टॉक रॉकेट की तरह चल रहे हैं। ये स्टॉक्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और रैली में राइड करें, जब तक ये वापस रिवर्स नहीं होते तब तक होल्ड करें, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब अनिल जी जहां तक एक्सपायरी के ऑप्शन का सवाल है, एक इंडेक्स में और एक स्टॉक में मेरे पास, तो जो स्टॉक का स्ट्रेटेजी है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक में अभी तक सुबह से मेरे को लगता है कि नजर नहीं पड़ी किसी की, अब यहाँ से ये स्टॉक चलना चाहिए और ICICI बैंक यहाँ से 500-510 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो ICICI बैंक में ऑप्शंस के जरिए 500 का कॉल 9.50 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बाय ICICI बैंक, 500 कॉल एट 9.50, स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है 6 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 14 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के। ICICI बैंक का 500 का कॉल लेना है 6 के स्टॉप लॉस पे 14-18 के टारगेट के लिए। ओके, सो 14-18 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए ICICI बैंक 510 के कॉल पर। मूवमेंट भरपूर है और जैसे कि सुमित जी कह रहे हैं ICICI बैंक सुबह से अभी तक तो पार्टिसिपेट नहीं किया है पर अब पार्टिसिपेट करने की तैयारी में है।
12,928 पर आ चुका है निफ्टी, यानी कि अब अपने हाई से बहुत ही कम डिस्टेंस पर आपको निफ्टी वापस आते हुए दिख रहा है, तो उसका भी इंतजार है। सुबह से बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, पर निफ्टी में भी जो मूव आई है नए हाई की, अब इंतजार है 12,934 का हाई है, उसके आप सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स दूर हैं इस समय, तो वेट करते हैं। वहां पर भी देख रहे हैं कि नए हाई आने की तैयारी में है निफ्टी पर इस समय। पर आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हम नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह का एक्शन बन रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट, यहां पर अच्छा मूव आया है, तो अच्छी मूव इस पर आ रही है। सुमित जी, एक इंडेक्स पर भी कॉल था आपका, बताएं सर क्या करना चाहिए, निफ्टी तो न्यू हाई के करीब आ रहा है। जो इंडेक्स में भी कॉल है और मैं वेट ही कर रहा था आपका मेरे पास आने के लिए। इंडेक्स में जो कॉल है दीपांशु, बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी तो मजबूती दिखा के रखा है, सुबह से पकड़ के रखा है, और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को भी ऊपर खींच गया है, तो अभी भी चार्ट में मजबूत दिख रहा है। बैंक निफ्टी का 29,700 कल की एक्सपायरी वाला कॉल 210 रुपए 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 29,700 वाला कॉल यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा, इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 100 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 350 से लेके 450 रुपए तक के। बाय बैंक निफ्टी 29,700 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस लगाना है 100 रुपए का नीचे पे, टारगेट ऊपर में 350 और 400, ये लेवल देखने को मिलने चाहिए कल तक। ओके, तो बैंक निफ्टी 29,700 का कॉल खरीदिए और टारगेट्स हैं 350 से 400 रुपए तक। बैंक निफ्टी डेज हाई पर, निफ्टी न्यू हाई के बेहद करीब, अब सिर्फ 2 पॉइंट्स दूर है अपने न्यू हाई से, आ गया, बल्कि नई रिकॉर्ड ऊंचाई आ गई है निफ्टी पर, तो इसी का इंतजार हम कर रहे थे और अब एक नया हाई निफ्टी पर आपको आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर वैसे भी इंडेक्स मूव करते हुए दिख रहा था, अब जो नया हाई आया है इंडेक्स का 12,934.65.05 हाई था इससे पहले, अब 0.65, तो जस्ट फ्यू पॉइंट्स से ऊपर गया, बट डेफिनेटली नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी आज फिर से आते दिख रहा था। लगातार जो ये नए हाई का ट्रेंड है, एक दिन का ही पॉज आया था बीच में, उसके बाद जो रिज्यूम होता है वो दिखा है, वो चल रहा है और आज वो एक्शन बरकरार है। कल मार्केट ओपनिंग में रिकॉर्ड हाई बाया था, अब टुवर्ड्स क्लोजिंग रिकॉर्ड हाई आते दिखा है, बट एक्शन जरूर है इस समय पूरे के पूरे बाजार में। और कुछ निफ्टी स्टॉक्स, नॉन बैंकिंग स्टॉक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो दिख रहे हैं, एक बार वहां पर भी हमारे एक्सपर्ट से कॉल ले लेते हैं क्योंकि एक्शन यहां पर भी अच्छा आ रहा है। हिंडाल्को यहां पर मूवमेंट है, बाकी मेटल स्टॉक्स के मुकाबले उतनी बड़ी उछाल नहीं आई है हिंडाल्को पर जितनी दूसरे मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, बट किरण जी धीरे धीरे करके हिंडाल्को भी अपनी चाल से ऊपर चल रहा है, आज भी 2.5% ऊपर है, तो क्या यहां पर भी एक कैचअप रैली आ सकती है, क्या हिंडाल्को पर खरीदारी करनी चाहिए? हिंडाल्को पे मोमेंटम तो पॉजिटिव ही है, कोई डाउट नहीं है। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी अभी पार कर चुका है, पिछले जो दो स्विंग टॉप्स थे वो बिल्कुल निकलते नजर आ रहे हैं, दिसंबर 2019 के और उसके पहले अप्रैल 2019 के, ये डबल टॉप लेवल्स क्रॉस कर रहा है, तो मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। मेरा मानना है कि अभी के लिए 214 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 224-225 शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने में मिलेंगे, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को, अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इसके मार्केट मूव में इस समय, और निफ्टी सेंसेक्स दोनों पर ही जो नया रिकॉर्ड आया है वहां पर आप मूवमेंट आ रहे हैं। आज सुबह से कई सारे ऑटो स्टॉक्स की बात करी, एक आइशर मोटर्स रह गया, इसके बारे में भी एक फ्रेश कॉल लेना चाहूंगा। बंसल जी जरा आप आइशर के चार्ट्स देखिए और मूवमेंट आ रहा है 2600 के ऊपर, अब आइशर भी होल्ड कर रहा है, बताएं सर इस पे कोई ट्रेड है? बिल्कुल दीपांशु, इस पे ट्रेड है, बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। इनफैक्ट मैं और कुणाल जी इसी पर विचार विमर्श कर रहे थे, और ये स्टॉक भी एक नई खरीदारी का कैंडिडेट है, और जिस तरीके से स्टॉक ये निकला है, देखिए पिछले दो दिन साइडवेज जोन थे उसके ऊपर निकला है, तो और एक नया ब्रेकआउट 2515 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आइशर मोटर एक खरीदारी का कैंडिडेट है। पहला टारगेट 2658 का बैठता है और दूसरा टारगेट 2700 का बैठता है, और जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर वो 2555 पर लगाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आइशर पर व्यू इस समय, तेजी पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है, नए हाई की अब प्रक्रिया और चल रही है, 12937 अब निफ्टी का नया हाई है, तो उसी लेवल्स पर है, डेज हाई पर है और न्यू हाई डेज हाई पर ही आ रहा है, तो अब आप देखेंगे कि ये लेवल्स धीरे धीरे करके और ऊपर करते हुए दिखेंगे। देखते हैं सेंसेक्स 44200 के पार जाता है या नहीं, और निफ्टी भी 12950 के ऊपर जाते हुए दिखता है कि नहीं, पर तब तक कुछ और कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। सबसे पहले जय ठक्कर के पास चलते हैं, उनके पास एक कॉल है इस समय।
बताएं जी। जी दीपांशु, दीपांशु कैश के ऑप्शन, कैश का ऑप्शन में अभी मैं जो दूंगा वो निफ्टी पर कॉल दूंगा। निफ्टी का इन द मनी कॉल 12,900 का देकर लेकर चलना है हमें। 65 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 34 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 65 पे ट्रेड कर रहा है, 34 का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है वो 93 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 109 का। 93 एंड 109, ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 12,900 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं 65 पे। दीपांशु क्लियरली आपने जैसे बताया कि एक अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छा ट्रेड कर रहा है, और मैं कहूंगा कि ये जो एक दिन का कंसोलिडेशन था, हमें इसे कहते हैं एक रेगुलर फ्लैट पैटर्न, वो एक कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया फ्रेश अप मूव यहाँ से हमें देखने मिल रहा है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक दफ़े मुझे ऐसा लग रहा है कि 13,000 तक के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा था जब बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया था 29,300 का, उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो ही गए, तब निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं था और 12,900 निकलना निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो 12,900 निकल के ये सस्टेन कर रहा है और एक क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आया है। सो आई थिंक अब निफ्टी में भी और मूव आना चाहिए। बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली ग्रोइंग टूवर्ड्स 30,000, जो हमारे टारगेट्स थे 29,700 के बाद 30,000 के, सो वहाँ पे वो जा रहा है। बट निफ्टी भी अभी 13,000 के आसपास जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो कल की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। बट बैंक स्टॉक्स में दीपांशु और एक मेरे पास रिकमेंडेशन है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक जैकपॉट कॉल देना चाहूँगा बैंक में। बिल्कुल, उससे इससे पहले कि आप वो दे जय, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। निफ्टी पर तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्फिडेंटली 12,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया, क्या बैंक निफ्टी पर ऐसा इन द मनी कॉल ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ जैसा नितिन जी भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी पे थोड़े से ऑप्शन की प्राइस ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, थोड़े महंगे हैं, तो क्या कोई इन द मनी कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का भी खरीदा जा सकता है इस वक्त, जैसे कि 29,700 का? अनिल जी, अगर बैंक निफ्टी में हमें कोई ऑप्शन खरीदना है तो डेफिनेटली 29,700 का खरीद सकते हैं। पर अनिल जी, और थोड़ा सेफर साइड अगर खरीदना है तो मैं ये समझता हूँ कि हम 29,600 का बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीद सकते हैं। बिकॉज मेन जो मूव आया आज बैंक निफ्टी में वो 29,600 के लेवल्स निकलने के बाद आया अनिल जी, और वो मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये 29,600 का अगर मैं कॉल ऑप्शन अभी देखता हूँ सो इसके लेवल्स अगर अनिल जी हम देखें तो करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ 289 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 170 का, 170 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो मतलब करीब करीब 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। सो 29,600 का कॉल ऑप्शन अगर हम खरीदते हैं सो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो आपके मॉर्निंग के टारगेट से 29,900 और जो मुझे भी लग रहा है वहीं आसपास के 30,000 तक होता है, तो ये लगभग 400 रुपये तक का मूव हमें वैल्यूएशन हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन का। सो एक अच्छा 289 का 400 हो सकता है, 170 के स्टॉप लॉस के साथ ये वाला ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। अभी भी 20 मिनट बाकी है, होने में आज ही हो जाए 29,900 कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बच्चे कितने 150 पॉइंट है, तो जिस तरह की गर्मी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों खा रहे हैं ये बात तो पक्की है डे हाई के आसपास क्लोज होंगे। अब ये डे हाई अभी जो बना है वही है या 20 मिनट में और डे हाई बनता है, पूरी संभावना है कि 20 मिनट में थोड़ी बढ़त यहां से और बनाएंगे। आइए जय का एक जैकपॉट भी बाकी है, उससे पहले वागले साहब का एक है, वागले साहब का वंडर, और उसके बाद चलते हैं फिर से जय के पास। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरे लिए आयशर मोटर्स में एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, एक टियर कट बड़ा वाला ब्रेकआउट है, 26,2615-26,17 का करंट भाव चल रहा है। मैं 2590 का 30 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा और मेरे को 2680-2690 ये मेरा BTST होगा। कल मुझे लगता है मॉर्निंग के सेशन में ही आपको मिलना चाहिए, और दूसरा टारगेट 2700 का होगा। परफेक्ट, 2680-2690 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 2590 का स्टॉप लॉस। आयशर मोटर्स ये दो पहिया वाली कंपनी, चार पहियों की रफ्तार से तेज दौड़ने को तैयार है, जबरदस्त तेजी यहां भी होने की तैयारी में। जय का जैकपॉट बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, जैसे मैंने कहा था कि एक बैंकिंग स्टॉक रडार पर है और वो लार्ज कैप है, तो ICICI बैंक का 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब अभी 10 रुपीज़ 80 पैसे 10 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास चल रहा है।
सो 10.80 रुपये में आप खरीदें, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 7.10 रुपये का। पहला वाला टारगेट जो बन रहा है वो 16.50 है, सेकंड टारगेट बन रहा है 19 का, 16.50 एंड 19, ये दो टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक का 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, और यही इनफैक्ट काफ़ी हेल्प कर सकता है अनिल जी जो नो हमारे टारगेट से बैंक निफ्टी में हासिल करने में, बिकॉज यू नो आईसीआईसीआई बैंक 495 के लेवल्स निकाल नहीं पा रहा था, इनफैक्ट एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म किया था उसने, जिसके कारण एक यू नो एक फियर था कि मे बी नो आईसीआईसीआई बैंक में हमें थोड़ी बहुत रुकावट यू नो के प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, बट उसे बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टॉक ने निकाल दिया और इंडिकेटर्स में फिर से एक बाय क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है। तो डेटा भी अगर मैं देख रहा हूँ तो 500 के लेवल्स अगर जैसे ही यू नो निकलते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, इनफैक्ट नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन रहा है 512 है और बाद में 518 है, तो 512-18 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं यही सीरीज में। सो आई थिंक 500 के लेवल्स जैसे निकलेंगे और भी मोमेंटम गेन करेगा आईसीआईसीआई बैंक, विच विल डेफिनेटली हेल्प बैंक निफ्टी। तो इसका 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। ये है आपके लिए आईसीआईसी बैंक, 500 का कॉल ऑप्शन 11 के आसपास लीजिए, 7 के आसपास स्टॉप लॉस, 16.50-19 का टारगेट। लेकिन इस बीच ऑटो क्या रफ्तार है, टाटा मोटर सर्किट लगता हुआ 10% का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा तो सर्किट लग के खुल भी चुका है 10% से ज्यादा, टाटा मोटर्स 10% का सर्किट, सैल्यूट आशीष सर, मान गए 200 रुपए के पहले रुकेगा नहीं, और सर्किट मारता हुआ एफएनओ का स्टॉक का आज ही एफएनओ के बैन से बाहर निकला देखिए, और अच्छा हुआ बैन में ही रहते रहते आपने अगर कैश में खरीदारी की तो आज पूरा मजा आप दिवाली का और नए साल का जरूर ले रहे होंगे। देखिए बैन से बाहर निकलता ही 10% का बड़ा जंप आता हुआ दिखा रहा है, लॉजिक एकदम परफेक्ट था कि बाइडेन साहब के जीतने के बाद चीन के साथ उनके रिश्ते उनमें थोड़ा सुधार होगा। जी आशु सर, अनिल जी ये बैन से निकलने के बाद टाटा स्टील में भी फिर वैसे ही एक मूव आएगी, जैसे अभी आपने टाटा मोटर में देखी ना, ऐसे ही मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 600 की तरफ टाटा स्टील भी चलेगा, बैन से निकलने के बाद फिर मूव आएगी। तो अगर टाटा स्टील की भी किसी को डिलीवरी उठानी है, मैंने सुबह भी बोला था, आप कह रहे थे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, डिसिप्लिन जरूर करना चाहिए, 100 रुपए से ऊपर की मूव हमने पिछले 15 दिन में देखी है, बट बैन से हटने के बाद मेरे को चांसेस लगते हैं कि टाटा स्टील में भी ऐसी मूव आएगी। बिल्कुल, तो ये बैन से बाहर निकलेगा, और आज सुबह हम बात कर रहे थे दोनों स्टॉक, एक टाटा मोटर्स और दूसरा एसबीआई, दोनों ही उस तरह का मुंह दिखाएंगे जैसा कि आपको टाटा मोटर्स ने टाटा स्टील में दिखाता है। एसबीआई भी देखिए 253 का दूसरा टारगेट हासिल होता है, दीप यहां पर भी 257 और 254 दो टारगेट मैंने जो दिए थे, 247 का तो तभी हो गया था, तब हमने कहा 243 पे आप स्टॉप लॉस ले आए, अब 254 का टारगेट लगभग हासिल होता दिख रहा है, 252.50 डे हाई पर एसबीआई ट्रेड कर रहा है, जिनका रिस्क लेने का वो जो बंसल जी कहते हैं ना हाजमा कम है, वो प्रॉफिट बुक कर ले, इंट्राडे में आपको अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, जैसे कि बीपी सेल में भी हुआ था दिवाली के दिन सेम डे, इसलिए हमने कहा प्रॉफिट बुक कर लिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला होता है। लेकिन हालांकि एसबीआई में कोई ऐसी इवेंट नहीं है कि इस तरह की रिस्क हो, लेकिन फिर भी या तो आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आए या थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज वैसे रखना चाहें तो कोई इश्यू नहीं, आप आराम से 260 तक के टारगेट के लिए तो रख ही सकते हैं, अभी भी कोई चिंता की बात है नहीं, ये है आपके लिए। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो शानदार कॉल रही है सर, बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें और टाटा मोटर्स की बात करें, आपकी तरफ से तो सुपर हिट कॉल्स आती हुई दिख रही हैं, तो एसबीआई पर भी टारगेट हिट हो गया, एक बार देख लेते हैं एसबीआई पर आपको अनिल जी की तरफ से क्या सलाह मिली थी। एसबीआई 244 के आसपास खरीदारी करने की राय है। देखिए जब जब भी किसी तरह के कोई छोटे बैंक पर क्राइसिस आएगा और इस तरह की चीजें होती है, और तब बड़े बैंक्स की तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और स्पेशली सबसे बड़े सरकारी बैंक की तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 240 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, छोटा टारगेट 247 का है डे ट्रेडर्स के लिए और 254 का एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए, और फाइनल टारगेट 260 के बन सकते हैं अगर बाजार मजबूत रहा तो। SBI में आज सुबह खरीदारी करने की राय आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दी थी, उसमें पहला टारगेट 247 का हासिल हुआ, 240 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आपको रिस्क कम करनी है तो अब आप स्टॉप लॉस 243 का ले आए, अभी भी 254 और 260 के टारगेट के लिए SBI में आपको होल्ड करना चाहिए पोजीशन। जबरदस्त एक्शन एसबीआई में, जबरदस्त एक्शन ऑटो स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है, बैंक्स फाइनेंशियल्स भरपूर एक्शन है इस बाजार में,
पर एक और स्पेस जहां पर एक्शन है वो इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस, यहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है और दिग्गज एलएनटी आप बिलीव नहीं करेंगे पिछले एक महीने में 25% से ज्यादा तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। तो क्या है कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स जिसकी वजह से बाजार का इंटरेस्ट एलएनटी में आ रहा है, चलिए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं एलएनटी तेजी के क्या ट्रिगर्स हैं यहां पर? देखिए सबसे पहला ट्रिगर तो आपने बता दिया कि इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक है और जैसे कोरोना की वैक्सीन अब आ रही है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत है, तो उसका इंपैक्ट जो है एलएनटी पे हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 6 हफ्तों में इस स्टॉक को या फिर इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिले हैं, यानी कि ऑर्डर्स की झड़ी लग गई है। 25,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का ऑर्डर मिला, ये तो आप जानते ही है, इस तिमाही में ही मिला है। इसके अलावा आज आपको याद होगा खबर आई कि टाटा कंपनी से इसको इक्विपमेंट सप्लाई, माइनिंग का जो इक्विपमेंट सप्लाई है उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इनफैक्ट ये इंफ्रा वाटर रेलवे क्षेत्र में काफ़ी सारे ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिलते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट पिछले 6 माह में करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक इस कंपनी की थी, तो ये जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी में देखने मिल रहा है। यही नहीं, जो कंपनी के एग्जीक्यूशन है उसमें भी काफ़ी सुधार हो रहा है, सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूशन में उनमें सुधार देखने मिला है। लेबर, आपको याद होगा जब कोविड की समस्या शुरू हुई थी तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लेबर नहीं मिल रहे थे क्योंकि काफ़ी माइग्रेशन हुआ था, अब जो लेबर का उपलब्धता है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है, तो ये भी एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो हैदराबाद मेट्रो का मामला था वो भी सुलझाने के लिए कंपनी फोकस कर रही है, करीब 14,000 करोड़ के आसपास का ये मामला था, तो तेलंगाना सरकार और सेबिक एसबीआई के साथ बातचीत चल रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को पुश कर रहा है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है, खासकर जो इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत और साथ ही साथ जो ऑर्डर्स लगातार इस कंपनी को मिल रहे हैं ना वो इस स्टॉक को पुश कर रहा है, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज स्टॉक में 6-7% के आसपास की तेजी है। बिल्कुल, तो जबरदस्त तेजी लगाते हुए एलएनटी, और आपको याद होगा कि एलएनटी हम अनिल जी से टाटा मोटर्स की तो आज बात कर ही रहे हैं, पर एलएनटी अनिल जी की तरफ से एक दिवाली की इन्वेस्टमेंट पिक भी थी। और अनिल जी वैसे तो आपने इन्वेस्टमेंट पिक दी है और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए 1400-1500 के टारगेट्स दिए हैं, पर दिवाली के दिन 1052 के लेवल्स पर था, अब 11,050 के लेवल्स पर आ गया, यानी कि तब से अब तक भी देखें तो 100 रुपये की तेजी, 10% का उछाल तो एलएनटी में भी दिख गया सर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट पिक थी। बिल्कुल, और देखिए कोई स्टॉक जल्दी चल जाते हैं कोई देर से चलते हैं, कुछ लोग मुझे कह भी रहे देखिए आप टाटा मोटर्स बता रहे हैं और एलएनटी भी बता रहे हैं लेकिन एबी कैपिटल का क्या, यही प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे कभी भी। अगर एबी कैपिटल यस बैंक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में और 3 साल के लिए, और अगर आप 3 दिन बाद ही भाव देखना शुरू करेंगे तो ये दिक्कत होने वाली है। आप हर कैटेगरी अलग अलग ट्रेडिंग कैटेगरी, मैं फिर से बता दूं ट्रेडिंग कैटेगरी में टाटा मोटर्स और वेदांता, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ITC और LNT, और वैल्यू पिक में BSE जिसमें भी मैंने रेंज दी थी कहाँ खरीदना है आपको 450 रुपये के आसपास, और बचा एकमात्र AB कैपिटल, वो भी हमने कहा कि आप हाई रिस्क हाई कैटेगरी वाले में इसको AB कैपिटल और यस बैंक को रखिए। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से खरीदिए, अगर आप खरीद कर ये सोचते हैं कि मेरे लेने के बाद वो भाव नीचे जाना ही नहीं चाहिए तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आप ट्रेड कर रहे हैं, तब स्टॉप लॉस के साथ करिए। तो सोच समझ के लगाइए, हर एक की चीज़ अलग है। दीप, अब आपसे रिक्वेस्ट ये कि कल के 2000 के लिए बिगुल। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल कल के 2000 के लिए। बताएं सर। दीप, टाटा मोटर्स हमारी दिवाली पिक कमाल करती हुई दिखी है, पूरे टारगेट्स 2 ही दिन में अचीव हो गए, शनिवार की पिक मंगलवार तक पूरा कमाल कर गई, बुधवार तक कमाल कर गई 2 ही ट्रेडिंग सेशन में। अब इस पिक को देने के पहले जो मैं दे रहा हूं वो है टाटा मोटर्स DVR, 74.75 रुपये, 74.75 ये करंट प्राइस चल रही है, 75 मान लीजिए, 75 के आसपास प्राइस चल रही है टाटा मोटर्स का DVR, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस पिक को देने के लिए सुमित जी की परमिशन, सुमित जी बुधवार के दिन हमारे शो में नहीं होते क्लोजिंग वाले में, बाकी तो 7-5 दिन होते हैं सुबह शाम, लेकिन सुमित जी की परमिशन के साथ, सुमित जी की परमिशन आपको कल मैं अप्रूव करवा दूंगा, ये तो फोन फ्रेंड अभी कर देते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर खरीदारी करने की राय। देखिए टाटा मोटर्स चल रहा है, टाटा मोटर्स के पीछे टाटा मोटर्स का DVR भी चलेगा क्योंकि वैल्यूएशन गैप जो है वो दोनों का बराबर रहना चाहिए, या इनफैक्ट तेजी के साथ टाटा मोटर्स के DVR में वैल्यूएशन गैप कम होना चाहिए। तो मेरा ये समझना
करना है, यहां पर भी एक बेहतरीन खरीदारी का मौका बन सकता है टाटा मोटर्स डीवीआर आज और कल के लिए। आज तो खैर क्या है, अब तो 5-7 मिनट बचे, कल के लिए आप खरीद सकते हैं। 75 रुपए का स्टॉक है, कोई बहुत ज्यादा डिलीवरी लेने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। 71 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदे, छोटा टारगेट जिनको सिर्फ अगर आज के लिए रखना है, 78 के आसपास अगर आज आ जाए तो आज ही प्रॉफिट बुक कर लें। अदरवाइज 82 और 88, 82 और 88 ये दो टारगेट के लिए आपको टाटा मोटर्स के डीवीआर में खरीदारी करनी है। सुमित जी चलिए देखिए, हम बात करते करते सुमित जी फोन पर भी आ चुके हैं। सुमित जी आपकी अनुपस्थिति में आपका फेवरेट शेयर टाटा मोटर्स डीवीआर मेरे को टाटा मोटर्स की वजह से रेडार पे आया है, कल के 2000 के लिए फिट है जी। नमस्कार अनिल जी, आपने याद किया और मुझे तो आना ही था अनिल जी, और एकदम सही पिक पकड़ा है अनिल जी आपने, टाटा मोटर डीवीआर। क्या बात है, ये पिक भी हमने डे वाले लिया और अभी आपने इसमें ब्रेकआउट पकड़ लिया है। स्टॉक यहाँ से 85 का लेवल तो दिखाना ही चाहिए, 90 के लेवल तक भी जाएगा, ये सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है अनिल जी, और आपने एकदम सही टाइम पे पकड़ लिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी बनती है। 80-85 के इमीडिएट टारगेट होंगे टाटा मोटर डीवीआर के अंदर। ओके परफेक्ट, तो यहां पर खरीदारी करने की राय 80-85 रुपए तक के लक्ष्य आते हुए टाटा मोटर्स डीवीआर में दिख रहे हैं। सुबह सुमित जी से और हम अपडेट लेंगे। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया तुरंत फोन अ फ्रेंड पर जुड़ जाने के लिए। आइए जय का जैकपॉट और उसके बाद आशीष देंगे बैंक से बेनिफिट, पहले जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी एक छोटा सा अपडेट, अनिल जी जो 1397 पे चल रहा था बाटा, अभी वो 1440 हो गया है। वो जो उसका प्रोबेबिलिटी था 200 डेमा के ऊपर जाने के बाद, वो सारे ही हमारे टारगेट्स कॉल ऑप्शन के अचीव हो गए जो हमने अभी दिए थे। इनफैक्ट अनिल जी हमारा जो दिवाली पिक था बजाज फिनसर्व फंडामेंटली जो हमने रेकमेंड किया था, उसका भी टारगेट अच्छा अचीव हो गया है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में जिनका भी पोजिशन हो वो दोनों ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अनिल जी। और ऑटो सेक्टर के बाद अब जो मुझे एक सेक्टर में तेजी लग रही है वो है मेटल। मेटल में तो ऑलरेडी तेजी, पर एक स्टॉक है मेटल सेक्टर का, वो है NMDC अनिल जी। इसका 95 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसमें भी एक काइंड ऑफ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है जैसा बाटा में अनिल जी के, काफी समय से ये स्टॉक चल नहीं रहा था, तो इसका 95 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम खरीद कर चल सकते हैं, जो करीब अभी 3.40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ही अनिल जी 2.20 रुपए के 30 पैसे तक की है। सो यू नो इन द मनी कॉल इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू नो काफी समय से ये स्टॉक 95 के लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा था, और अब इसका रेजिस्टेंस मुझे 107 रुपए तक कोई दिख ही नहीं रहा है। 107 तक जा सकते हैं NMDC, अचानक से एक बाटा जैसे एक बड़ा स्पॉट आ सकता है इसमें, क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, तो इसका इसीलिए इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, अगर हम 3.40 रुपए में खरीद रहे 2.20 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टारगेट जो ऊपर में बन रहा है अनिल जी, वो पहला वाला टारगेट है 5.80 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 7 का। मैं इसलिए अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ 7 रुपए तक का, जो ऑलमोस्ट लाइक डबल है ये, बिकॉज अनिल जी 95 के ऊपर ये स्टॉक क्लियरली 105-109 तक जा सकता है। सो आई थिंक देयर इज अ बिग अप मूव व्हिच इज पेंडिंग इन NMDC व्हिच कैन, जो हम अभी देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये है आपके लिए NMDC में कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय। आइए अब बिगुल बैंक से बेनिफिट का। बताएं आशीष कौन से स्टॉक्स एंट्री और एग्जिट। अनिल जी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 8 स्टॉक बैन में, 8 में से एक निकलने का प्रयास कर रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 75% आ गई है, 80% से कम आते ही जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पक्का है कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। लेकिन 4 नए स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में एंट्री करने जा रहे हैं। RBL बैंक, यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 110% के आसपास आ गई है, 95% के ऊपर आती स्टॉक बैन में आता है। पंजाब नेशनल बैंक 105%, बैंक ऑफ बड़ौदा 105% और वोडाफोन आइडिया आज फिर प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो एकदम बॉर्डर लाइन पर है, 96% है, लेकिन बाकी के जो 3 स्टॉक है RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका निश्चित है कि ये बैन में आएंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आएगा। इसके लिए एक के लिए तो जिम्मेदार कुणाल जी राकेश जी है, बैंक ऑफ बड़ौदा को बैन में पहुंचाने के लिए। कुणाल जी राकेश जी ने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदिए और तब से ओपन इंटरेस्ट बन गया, तो ये बैन में जाने को तैयार है। वोडाफोन आइडिया बॉर्डर पे है, RBL ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी बैन में जा सकता है, तो बैंक्स
यही है जो बैन में जाने की तैयारी में। शुक्रिया आशीष। और इस बीच आप बिना बिगुल के दीप में जल्दी से है ना आपको स्ट्रेटेजी दे दूं। 3:20 की स्ट्रेटेजी रह गई है, सिंपल है। 29,750 पर बैंक निफ्टी है, आपकी तेजी की पोजीशन को कैरी कीजिए और 30,000 का एक कॉल ऑप्शन राइट कर दीजिए। सामने 30,000 का कॉल ऑप्शन आप भेज देंगे तो ठीक रहेगा। और निफ्टी में अब चूंकि 13,000 का एक कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो फायदा नहीं, अगर पुरानी पोजीशन है तो ही आप बेचिए, अदरवाइज मत बेचिए, अदरवाइज आप रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। आपके पास जो पुरानी पोजीशन पड़ी है उसको कैरी कर लीजिए, अगर आप करना ही चाहते तो। फिर 13,000 का बेच के फायदा नहीं है, फिर आपकी अपसाइड चली जाएगी। तो 13,200 का कॉल ऑप्शन आप निफ्टी का बेच दीजिए और बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए और तेजी की पोजीशन को कैरी कीजिए। आपकी तेजी की पोजीशन है वो लेकर जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी दीप, बिल्कुल, तो तेजी की पोजीशन लेकर जाइए, कैरी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक हेज जरूर क्रिएट करना जरूरी है, वो तो अनिल जी आपको रेगुलरली रेकमेंड भी करते हैं, तो हेज के साथ कैरी फॉरवर्ड करिए, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 44,200 के ऊपर आपने सेंसेक्स को देखा है, 44,215 का नया रिकॉर्ड आया है सेंसेक्स पर आज। और साथ ही अगर आप निफ्टी को देखें तो धीरे धीरे करके निचले स्तरों से डे की रिकवरी आई निफ्टी में और फिर उसके बाद नया रिकॉर्ड दोबारा भी आते हुए दिखा है। तो निफ्टी सेंसेक्स फिर से नए रिकॉर्ड पर और बैंक निफ्टी अब 30,000 से ज़्यादा दूर नहीं है, 12,950 तो नहीं बट 12,949 ये है निफ्टी का नया रिकॉर्ड हाई। कहाँ से आई है आज पार्टिसिपेशन? बैंक्स और ऑटोज, ये दो की सेक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट्स को लीड करा है। 10% से ज़्यादा का उछाल आपने M&M पर देखा है, 10% की तेज़ी टाटा मोटर्स पर बनती हुई देखिए, दोनों निफ्टी के स्टॉक्स ने देखिए 10-10% की तेजी यहां पर आती हुई दिखी है। बजाज फिनसर्व यहां पर 6.5% की तेजी रही, बजाज फाइनेंस ज्यादा दूर नहीं था 4% की तेजी के साथ। L&T बढ़िया उछाल यहां पर, अनिल जी के इन्वेस्टमेंट पिक पर दो दिनों में ऑलरेडी 10% कूद चुका है स्टॉक, 6% की तेजी आज ही आती हुई दिखी है। ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इन सभी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। HDFC बैंक दोनों ने सपोर्ट भी करा है, तो बढ़िया मूव वहां पर भी आती हुई दिखी है। हिंडालको, आइशर मोटर्स, अदानी पोर्ट्स ये भी एक्शन में रहे, डिवीज लेबोरेटरी, ग्रासिम, श्री सीमेंट, JSW स्टील और सिप्ला यहां पर भी मूवमेंट आते हुए दिखा है। BPCL दो दिनों से मुनाफा वसूली चल रही है, आज थोड़ा सुस्त दिखा। खबरें आ रही हैं कि शायद वेदांता ने यहां पर एसेट खरीदारी के लिए इंटरेस्ट जताया है। इंफोसिस थोड़ा क्वाइट था, विप्रो कल एनालिस्ट मीट है, आज शाम को एनालिस्ट मीट है, उससे पहले थोड़ा क्वाइट है ये स्टॉक। HDFC लाइफ, SBI लाइफ कल राया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज थोड़े सुस्त दिख रहे हैं, पर HDFC लाइफ की मैनेजमेंट ने आज हमें एक्सक्लूसिव न्यूज प्रीव्यू सेगमेंट में इंटरेक्शन में बताया कि आगे का आउटलुक बेहद पॉजिटिव है। M&M फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग बैंक से निकलने की तैयारी में, इन सभी NBFC स्टॉक्स में आपने बढ़िया तेजी देखी, इसमें चोला इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दी दिए। RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स में एक बार फिर से एक्शन बनते हुए देखा। और बाटा, हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आपको पिक्स दी है, यहाँ पर भी आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। इंटरग्लोब एविएशन न्यू हाई की तरफ 1700 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक, जबरदस्त तेजी बनती हुई आज के ट्रेड में भी। IGL, MGL यहां पर भी हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ICICI लोम्बार्ड, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, TCS, भारती एयरटेल, डाबर और ITC हल्की सी गिरावट हुई है, 1.5-2% की, कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं है। तो स्टॉक्स जो गिरे हैं बहुत कम गिरे हैं, बट स्टॉक्स जहां पर तेजी आई है जबरदस्त एक्शन आया है। अनिल जी, पहली बार 12,900 के ऊपर रिकॉर्ड क्लोजिंग देता हुआ आपको निफ्टी, 44,200 का हाई टच किया है सेंसेक्स ने और अब सिर्फ 250 अंक दूर है 30,000 से बैंक निफ्टी सर। बिल्कुल, और एक और बैंक जो बड़ी तेजी से ऊपर आके डे हाई पर बंद होता दिखा है वो है बंधन बैंक, 363-364। और मुझे याद है बंधन बैंक भी लगातार आशीष सर में और हमारे बाकी पैनलिस्ट भी लगातार रिकमेंड कर रहे थे, मुझे याद है वागले साहब भी 340 के बाद से लगातार रिकमेंड करते हैं कि ये बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होता दिख रहा है। कल भी हम बात कर रहे थे कि बंधन बैंक बड़े ब्रेकआउट के साथ बंद होने की तैयारी, आज फिर से एक और ब्रेकआउट के साथ बंद होने की तैयारी है। बंधन बैंक ने 338-340 का जो लेवल पार किया उसके बाद ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में। अच्छी बात यह है जब RBL अगर कल बैन में आ जाएगा तो फिर जगह लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए RBL और बंधन में से बंधन में ही बचती है। लेकिन देखिए क्या गजब का मूव, महिंद्रा 10% ऊपर, टाटा 10% ऊपर, टाटा मोटर्स कमाल का मूव, NBFC देखिए क्या गजब दौड़ लगाते हैं, M&M फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फिनसर, L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, गजब का एक्शन बाजार में होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल माहौल वैसा ही है कि आज ले लो कल मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो इस भाव में नहीं मिलेगा जो आपको दिख रहा है। अब कल का एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दीप, देखना ये होगा कि क्या कल के सेशन में फिर 13,000 के पार निकलने की जो तैयारी है
वो कल देखने को मिलेगी क्या। आइए आज बाजार बंद होने के बाद का एक्शन में बताऊं, उससे पहले एक बार जल्दी से आज की क्लोजिंग पर एक राय ले लूं। आशीष सर, जिस तरह से बाजार मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, बिल्कुल मोमेंटम बरकरार है और जिस तरह से आप देखिए ना, वाइड स्प्रेड, ब्रॉड बेस्ड वीकलिंग्स, और मतलब वीकलिंग्स ब्रेकआउट्स दे रहे हैं जिस तरह के अक्रॉस द बोर्ड। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी, क्योंकि बार बार बल्कि जो बहुत स्ट्रांग बुल्स हैं या जो स्ट्रांग बाइंग वाले हैं वो भी एज ए डिसिप्लिन कह रहे हैं कि शायद करेक्शन आ जाएगी या 200-300 पॉइंट आ जाएगा थोड़ा। लेकिन जिस तरह से वेंजियंस से ये मूव चल रही है अनिल जी, पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। यस, ट्रेड बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए, ऑप्शन इन द मनी लेनी चाहिए कि एज गुड एज फ्यूचर हो, क्योंकि ऑल सेड एंड डन आप जिस लेवल पे हैं, बट पार्टिसिपेशन में डाउट नहीं रखना चाहिए अनिल जी, मेक द मोस्ट ऑफ दिस मूव। बिल्कुल, बने रहेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, तो आप पार्टिसिपेट करते रहे, अपने स्टॉप लॉसेस आपको पता होने चाहिए और अपने रिस्क है। ये ना हो कि आप बाजार बढ़ते बाजार के साथ अनाप शनाप क्वांटिटी में खरीदे उतना ही जितनी ओवरनाइट रिस्क आप रख सकें, क्योंकि देखिए जिस तरह के बाजार है, कभी भी बाजार इतनी तेजी के बाद एक एक्शन करेक्शन का भी कभी भी दे सकते हैं, किसी भी वजह से दे सकते हैं, वो आपको हमें पता नहीं है। तो आपको जब पोजिशन रखनी है वो उतनी रखनी जितनी आप संभाल सकें। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सिंपल, यही है आपके लिए। आइए अब आइए, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये हाल है लक्ष्मी विलास बैंक का। जी हाँ, RBI ने देश के जाने माने और पुराने लक्ष्मी विलास बैंक पर बड़ा एक्शन लेते हुए इस पर एक महीने का मॉरेटोरियम लगा दिया है। RBI की इस सख्ती के बाद कई पाबंदियां बढ़ गई है। ग्राहकों के लिए अब 16 दिसंबर तक सिर्फ 25,000 रुपए निकालने की सुविधा है। RBI ने कहा है कि वो बैंक को ऐसे वित्तीय संकट से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद बैंक के ग्राहक डरे हैं कि क्या उनके डिपॉजिट सेफ हैं या नहीं, पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, बैंक क्या बंद हो जाएगा, उनके पैसों का क्या होगा, सभी तरह के अकाउंट्स पर क्या पाबंदी रहेगी, जिनके पास बैंक के शेयर से उनका क्या होगा, वो हम बता ही चुके हैं कि अब उनकी वैल्यू जीरो है। लेकिन RBI के पास बैंक को बचाने के क्या प्लान है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान, मोनिका हलन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टिंग एडिटर लाइव मिंट की, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और साथ ही देना बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश सिंह हमारे साथ होंगे, जो इस पूरे विषय को आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। तो जरूर देखिएगा शाम 6 बजे बैंक ग्राहकों का लक्ष्मी संकट। अगर आप भी ओके, तो ये है हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, जो लक्ष्मी विलास बैंक का पूरा मामला है इसको समझने के लिए आप ज़रूर ज्वाइन करिए हमारे साथ, और यहाँ पर एक बड़ा फोकस रहेगा। जी अनिल जी, तो चलिए, तो ये शाम का 6 बजे। अच्छा, इस बीच बंसल जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते थे, मुझे नहीं पता इस पर या किसी और पर। बंसल जी, मैं उस समय आपके पास आ नहीं पाया, क्लोजिंग का वक्त था जी, अब बताएं। देखिए अनिल जी, मेरी तो दो विशेष टिप्पणियां थी। एक तो अनिल जी, जो आपको लोग बोल रहे हैं कि टाटा मोटर बोल रहा है, आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं और AB कैपिटल नहीं कर रहे हैं, तो अनिल जी AB कैपिटल को चलने में समय देना पड़ेगा, और यही कारण है कि मैंने आपसे मांगा कि जब 150 रुपए हो जाए, तो दिवाली के दिन मैंने बोला था एक लव ऑफ टोकन पे, जो आपने उस दिन एक रेड कलर का एक रंगीन चमकता हुआ कुर्ता पहना था, मैंने कहा वो एज अ टोकन ऑफ लव में गिफ्ट देना, तो व्यूअर्स को समझना चाहिए AB कैपिटल को चलने में थोड़ा सा समय लगेगा, तभी गिफ्ट मांगा था अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और वो भी 80 वाला 87 तो है, 7-8-10% है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई हमारी कलाकारी है, मार्केट ही ऊपर है। अगर 2 दिन पहले आपने कुछ भी लिया होता, आप बहुत ही खराब मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, तो ही वो नीचे होगा, मतलब आप थोड़े भी ठीक ठाक हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमारी बड़ी कलाकारी है कि हमारे बोलने से ही हो गया। हाँ, अगर कोई स्टॉक वाकई में निफ्टी सेंसेक्स को बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, तब तो अलग बात है कि हाँ भाई टाटा मोटर जैसा बहुत भाग जाए या बैंक निफ्टी जैसा 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट भाग जाए, वहाँ तो हम बोल सकते हैं, बाकी तो जनरली सारे ही चले हैं भाई और सब चल ही रहे हैं, तो ठीक है, बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो बढ़िया है, सब एंजॉय कीजिए। किसी की मिस हो गई तो दुख ना करें, देखिए स्टॉक मार्केट है, हमेशा मौके देगा, आज नहीं तो कल देगा, इस बार नहीं तो अगली बार देगा, इतना तो खुश हो कि चलिए कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं बना पाए, कोई और तो बना रहा है, कोई और तो सुखी है भाई, आप नहीं आपके दोस्त सुखी होंगे, तो भी जिंदगी में क्या पता आपके कब काम आए, तो खुश रहिए,
पैसा बनना नहीं बनना सेकेंडरी है, कई लोग तो पैसा बनाने के बाद भी खुश नहीं होते, सुखी नहीं होते, तो उनका क्या? तो जो सुख हो, सुखी हो पाए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी तो ठीक है। वो कौन सा, वो कुणाल जी ट्रक के पीछे ऐसा वो लिखा हुआ रहता था ना, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो वो ट्रक चलती थी और उसके पीछे ऐसा लिखा हुआ रहता था, चलती है टाटा तो उड़ती है धूल, जलते हैं चमचे तो खिलते हैं फूल। ये किस किसने पढ़ा हुआ है जरा मुझे बताइए हाथ खड़ा करके, जब टाटा की ट्रक चलती है उसके पीछे लिखा हुआ रहता है, किसने पढ़ा है आप में से किसी ने? अनिल जी मैंने तो इसका मतलब आप लोगों का बचपन बहुत ज्यादा मतलब जी जी अनिल जी ये रेखा अनिल जी ट्रक पे तो मैंने ये लिखा पढ़ा हुआ था कि 20 की माला 29 के फूल, बुरी नजर वाले तेरा मुकाला, ऐसा कुछ लिखा रहता है अनिल जी। चलिए ठीक है, नजर अच्छी रखे, नियत अच्छी रखे, आप भी कमाए सबको कमाए। जी 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 आशु सर आप कुछ कह रहे हैं? आशु सर जी। अनिल जी ये जो मतलब शायद आपका रूट डिफरेंट होगा, जिस रूट पे हमारा आना जाना हुआ है, जो कुणाल जी ने सुना है पढ़ा है वो हमने भी वही वाला पढ़ा है, तो रूट हो सकता है डिफरेंट हो। बिल्कुल हो सकता है। तो ये मैं टाटा का इसलिए याद आया कि टाटा मोटर से टाटा याद आ गया और टाटा की ट्रक्स के पीछे ये हमेशा लिखा हुआ रहता था, तो ठीक है मजे। और मैं तो अभी वैसे भी दिवाली पर राजस्थान की यात्रा करके आया तो थोड़ी यादें भी ताज़ा हो गई है। तो चलिए एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन जिसके गवाह आप हम सब लोग बने, जब निफ्टी और सेंसेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया और नए लाइफ टाइम हाई पर बंद भी हुए हैं। आइए विदा लेने का वक्त है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान तो बोलना गलत होगा, अगर मैं आप लोगों को मेहमान कहूँ तो ये नाइंसाफ़ी है, आपके साथ भी और मेरे अपने आपके साथ भी। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद शो में शामिल होने के लिए, और लंबे समय के बाद कुणाल किरण जी भी शो में शामिल हुए एक हफ्ते के बाद, किरण जी का विशेष शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह कल फिर से मुलाकात होगी। इस बार तो कल जल्दी गुरुवार आ गया, एक दिन छुट्टी थी ना। तो चलिए कल है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन, भर भर के ढेर सारे शॉर्ट हैं, देखते हैं आज ग्लोबल मार्केट्स कैसे क्या रहते हैं और कल का एक्शन क्या होता है। पूरा का पूरा एक्शन हमारे तमाम दमदार एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए कल भी होगा। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार।